और बताओ कैसे हो आप सब वेरी गुड मॉर्निंग दीक्षा मनी एंड कौर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वी आर हियर ऑन सेकेंड डे ऑफ आवर जर्नी ओके दूसरा दिन है आज और आज बहुत कुछ करना है ठीक है आज आप नौ बजे आए हैं आपके सर ही लेट हुए हैं आई एम सो सॉरी आगे से ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट थिंग कि अभी जो है आपको जैसे जितना देर जो भी पढ़ना है जिस तरह से पढ़ना है उसी तरह से हम चलेंगे बिकॉज आई हैव कम एज पर योर कंफर्टेबिलिटी ओवर हियर आई हैव नॉट कम हियर टू जस्ट से समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड कि हाँ इतना अवर करो ये करो वो करो लाइक like दैट जो कंफर्टेबिलिटी होती है बता देना जब तुम्हें ब्रेक चाहिए बता देना मॉर्निंग का हमेशा टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वान्टिटी एप्टीट्यूड ऑल राइट क्योंकि मॉर्निंग में ना सब जो है कम पके दिमाग होते हैं एकदम कच्चे तो जितना डाल सकते हैं फैकल्टी डाल सकते हैं आराम से ठीक है तो अच्छे से घुसेगा पूरा ठीक है उसके बाद इवनिंग वाले टाइम में हमारा दो सेशन होगा दो पार्ट होगा पहला तो लॉजिकल रीजनिंग होगा और दूसरा होगा मॉर्निंग वाला सेशन पॉइंट का प्लस लॉजिकल रीजनिंग का सेशन उन सबको मिला के जो पी वाई क्यूज हैं, जो आज तक क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं उनका भी थोड़ा डिस्कशन पार्ट होगा यहाँ पे ऑल टुगेदर तो हम लोग कहाँ थे हम लोग नंबर सिस्टम में वनली वन पार्ट एक छोटा सा टॉपिक एकदम छोटा सा टॉपिक वो हम लोग किए थे कल के डेट में और उस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी किए थे एंड आई डू होप दैट यू हैल दो ठीक है तो चलो रात में मैं कुछ क्वेश्चन भी भिजवाया हूँ दैट इज फोर क्वेश्चन अराउंड एंड वो उसी सब चीज से डील करता है जो हमने कल पढ़ा है ऑल टूगेदर मुझे लगता है उस तरह के क्वेश्चन या आसपास जो है वहाँ, यहाँ भी किए गए हैं तो मुझे लगता है वो भी आपने बनाया होगा वो वी विल बट यहाँ पे आज सबसे पहला पड़ाव जो मेरा अमूमन होता है यहाँ पे क्या कहते हैं विद्यापीठाइस अकेदमी में वो होता है क्वेश्चन ऑफ द डे का तो सी सैट क्वेश्चन ऑफ द डे में जो है मैं आपको एक पजल दूंगा आज ठीक है और पजल कैसा होगा थोड़ा सा ट्रिकी है बस हल्का सा ट्रिकी है बनाने में बहुत मजा आएगा बट उसके पहले बस एक से दो मिनट मैं कुछ बताना चाहता हूँ कनेक्टिंग पजल्स के बारे में कुछ पार्ट बताना चाहता हूँ देखो जैसे अगर कहा है ए इज कनेक्टेड टू बी वाइल सी इज कनेक्टेड टू ई Am i correct again if it is said that b is connected to d and d is connected to c hum हम खुद देख रहे हैं pe ki yahan पर केवल एक बार A आया है but B yahan और yahan दोनों जगह है तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है A फिर बी फिर डी एम आई करेक्ट फिर मिलता है सी और सी से कनेक्टेड ई e है तो ये बहुत सिंपल सा माजरा है बट यहीं पर ई e को कनेक्ट अगर कर दिया जाए किसी से जैसे ई इज वेल कनेक्टेड टू बोथ एज डी अगर ये आता है सिनेरियो, तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करके एक पजल के रूप में अगर ये छोटा सा आया है तो सिंप्लीफाई करके इसको आराम से लिख सकते हैं कैसे ए यहां रहा फिर उसके बाद बी आया फिर क्या आएगा डी आएगा फिर क्या आएगा सी आएगा और उसके बाद ई e किससे किससे कनेक्टेड है ई इज कनेक्टेड टू वॉट सी से भी और ई e ए से भी है और ई e जो है डी से भी है वेरी सिंपल हो गया तो एक छोटे से सिनेरियो एकदम तो सिंपल से सिनेरियो को हमने यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट किया है जिसमें डेसीफर करना जिसमें चीजों को आगे ले जाना बहुत आसान होगा फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ठीक है थीके? तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू गो फ्रॉम ए टू डी ए से डी तक जाने के कितने सारे मेथड हैं ये आपको बताना है can you tell? अच्छे से सोच के बताना कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा आसान या बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है बट गिव टाइम ओके क्योंकि आपके मुखारविन से निकला आंसर ना सबसे पहला ही माना जाएगा कि ये है इसके बाद करेक्शन का टाइम मैं नहीं दूंगा अच्छे से बताओ ए से डी तक जाने के कितने सारे यहाँ पे मेथड्स हो सकते हैं तो वो कहां से शुरुआत होती है सबसे पहले ए से शुरू करोगे है ना ए से कहा जा सकते हो ई भी, 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 भी जा सकते हो और बी भी जा सकते हो टोटल दो रास्ते हैं ठीक है ये रहा ए क्या हुआ अरे हाँ मैंने बहुत सिंपल सा बात बोला कि ए से सबसे पहले देखो कि कहां, कहां जा रहा है एक है बी वाला पार्ट और एक है ई वाला पार्ट अब यहाँ पे आपको देखने हैं कि कितने सारे रास्ते हैं और यहाँ पे देखने हैं कि कितने सारे रास्ते हैं मैंने बस इतना बोला है ना क्योंकि ई के बाद भी बाइफर्केशन हो रहे हैं ठीक है थीके? तो आप उसके बाद इंडिविजुअली बिल्कुल काउंट कर सकते हो एम आई करेक्ट और नॉट तो यहाँ पर ए बी के बाद क्या हो रहा है डायरेक्ट डी जा सकता है तो वन इज ए बी डी ए बी डी एम आई करेक्ट उसके बाद बोलो ए बी के बाद और कैसे जा सकता है ए बी के बाद और कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता ना वाई बिकॉज बी के बाद कोई बाईन नहीं है तो ए टू डी करेक्ट अब हम जा रहे हैं A, e के के अब बताओ, A के बाद सबसे पहले डी तो ए के बाद डायरेक्टली जो है वो डी हुआ हमें कोई भी स्टेशन दो बार नहीं जाना है, only one time जाना है। उसके बाद ए के बाद कहा आया? आया फिर डी आया एम आई करेक्ट तो ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो था इसको कोई जरूरत नहीं है लिखने का बस समझने की बात है कि मैं जो प्रोसेस लिया हूं वो बहुत सिंपल है ठीक है ए से इधर और इधर जा रहा है और इसके बाद हमने काउंट कर लिए वेरी सिंपल टू से ऑफ कोर्स ये तो बहुत सिंपल है ही देख के लग रहा है बस यहाँ से दो जो है वो आपको जानी थी ठीक है अब यहीं पर मान लो कि ये वाला केस ऐसा हो जाए कि टू वे और वन वे है एम आई करेक्ट और नॉट लाइक ए टू बी केवल जा सकते हो बी टू ए नहीं आ सकते आप E टू A जा सकते हो आप A से E नहीं जा सकते हो e और D जो है वो डबल लाइन कनेक्टेड है इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो उसके बाद E से C कनेक्टेड है ओनली वन से। एम आई करेक्ट और इधर D और C दोनों जो है टू लाइन से कनेक्टेड है बच गया ओनली वन एंड दैट इज दिस एम आई करेक्ट अब तुमको बताना है कि ए से डी जाने के कितने सारे मेथड्स हैं वनली वन और कोई रास्ता नहीं है अब यहीं पर आता है अगर क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरी बात कि ई e से सी जाने के कितने सारे रास्ते हैं एम आई करेक्ट ठीक है तो ई e से सी का एक रफर करके मुझे प्लीज बताओ कि ई e से सी कितने सारे रास्ते हैं ई टू सी कैसे कैसे ले गए सबसे पहले आप देख रहे हो e के बाद e जा सकता है e के बाद d जा सकता है और e के बाद डायरेक्टली c जा सकता है तो एक तो आ गया e से c जाने के डायरेक्ट e c है am i correct one method is this and other than that what is that e के बाद c डायरेक्ट चला गया अब इसका काम खत्म है अब e के बाद अगर d गया तो इधर जा नहीं सकता तो e d c होगा यू आर वेरी करेक्ट e d c am i correct now apart from this अगर e हो चुका है तो उसके बाद अब ये मेथड आया E -A -B -D हुआ, करेक्ट ई ए बी डी सी हुआ ठीक है ई ए बी डी सी हुआ All right. समझ में आ गया अब बहुत सिंपल सी बात है इसी तरीके से हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हैं ठीक है कोई भी एक पेयर बताओ यहां पर जहां जाने के आपके तीन और डिफरेंट वेज हैं. कोई और दिख रहा है क्या कोई भी एक पेयर ऐसा बताओ यहां पर ट्रेन का सॉरी इसका कहा कासे कासे कोई भी एक पेयर ऐसा बताओ जहां से जहां आपको जाने के वनली थ्री रास्ते हैं कौन सा ई से डी का अब आ गया तो ई से डी आपने लिया ई से इधर से लिया और इसे इधर से भी लिया वेरी सिंपल तो लाइकवाइज यहां पर बहुत सारे केसेस भी दिए जा सकते हैं Suppose, ये रास्ता ही अब बंद है ये रास्ता ही अब बंद हो गया अब आपको से दी जाने हैं और बताने हैं तो आराम से देख सकते हो कैसे क्या क्या हो सकता है है ना सो so, इस तरीके से चीजें होती हैं तो आज एक सीसे क्वेश्चन ऑफ द डे इसी सब तरीके का एक मैं देने जा रहा हूं ठीक है तो उसको जरूर लिखना और बनाना ठीक है बोर्ड पे ये रहा कैसे आता है वो जो भी ये वाला खुला था ना मैं तुरंत निकाल लू Yes yes please come अरे मैं थक गया यार एक सेकेंड बस मुझे देना फिलहाल एक काम करो ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सब कुछ का क्वेश्चन है कल हम लोग किए भी थे जल्दी से इसका बताना क्या है व्हाट शुड बी आंसर ठीक है मैं तब तक निकाल रहा हूं okay. से एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बनाइए जरा आगे Is it done? क्या हुआ दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ क्वेश्चन पे हंस रहे हो तुम हमेशा हंसते हो मुझे शक ये होता है कि या तो तुम क्वेश्चन पे हंस रहे हो या तो तुम फैकल्टी पे, पे हंस रहे या तो तुम खुद पे, पे, पे हंस रहे अच्छा क्वेश्चन गलत है ऑल राइट एग्जामिन देटमेंट गिवेन दैट स्टेटमेंट फोर इज ट्रू वॉट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड ऑल राइट सो सुनो

वो सबने किया है कल भी किया है और समझ में आ रहा होगा इट इज तो बाकी में से कौन सा कंक्लूड किया जा सकता है जो होगा ये पार्ट डेफिनेटली प्लीजेंट नहीं है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट ये कभी होगा कभी भी नहीं होगा सीधे गलत हो गया तो जैसे ही ये गलत हुआ तो ये वाला गलत हो गया ठीक है लेकिन वन इज फॉल्स कंप्लीटली ट्रू हो गया इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हुआ है आज तक क्या हमें कहीं भी जाने का जरूरत है कोई भी और पढ़ने का जरूरत है सेकेंड और थर्ड नहीं पढ़ने का जरूरत है ना मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं हम चलना स्टार्ट किए हमको सबसे पहले ही दस सेकेंड में आंसर आ गया वाई टू वेस्ट आवर टाइम अगर कंफ्यूजन है तभी तो जाओगे ना एकदम अच्छे से पूरा सत्यापित होने के लिए फॉर एग्जाम्पल समर प्लीज एंड दिस कैन डेफिनेटली नॉट बी कंक्लूडेड वाई बिकॉज वट इज बिंग कंक्लूडेड की एक पार्ट जो है क्या क्या बोला बोलो ना यस यस शी इज करेक्ट एक पार्ट है पूरे कलर बॉक्स का जो प्रिजेंट बिल्कुल नहीं होगा बाकी पूरा का पूर, पूरा पार्ट यहां आ सकता है बाकी नहीं तालुकात रख सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है बिकॉज जो कंक्लूडेड पार्ट है वो यही है कि इसका एक पार्ट डेफिनेटली जो है वो प्रीजेंट नहीं है समझ में आया यानी प्रेजेंट का कुछ पार्ट कलर हो सकता है या प्रेजेंट का कोई भी पार्ट कलर नहीं होगा समझ में आया बट दैट कैन भी नहीं है केवल इस पार्ट को लेके है तो ये नहीं होगा नो कलर इज प्रिजेंट ये भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन कहा है कहां है डेफिनेटली वर्ड दिसक्टर नॉट कह रहा है कि नो कलर इज प्रीजेंट वो डेफिनेटली कंक्लूड नहीं हो सकता है क्योंकि तो ये बाकी का बाकी ये लोग पूरा का पूरा उठा के मैं यहां पे प्लीजेंट को रख दिया ये रहा प्लीजेंट एम आई करेक्टर नॉट इसीलिए सबसे पहले अगर आंसर आ गया दस सेकेंड में तो आगे बढ़ना चाहिए ठीक है आर यू रेडी फॉर द मेन क्वेश्चन ओके सो दिस क्वेश्चन हैज बीन डन क्रॉस कैसे करते हैं इसको ना सेवेंटी सिक्स नंबर है याद रखना आया क्या अब जो है इस क्वेश्चन को आप कीजिए ठीक है अभी सबसे पहला सवाल ही आपके पास है ठीक है दिस इज मेन क्वेश्चन और इसको आप लिख सकते हो ठीक है या आप कर सकते हो 2017 का ये सवाल है तीन क्वेश्चन इसमें हैं। और जिस तरह से कनेक्टिंग पजल हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह करके बहुत मजा आएगा समझे बस मैं सबसे बड़ा हिंट दे रहा हूं कोई भी फिगर जो है वो आप बनाना ना कोशिश करना कि एकदम सिंपलेस्ट हो और सिंपलेस्ट फिगर के लिए आपको क्या करना होता है जैसे दिल्ली से अंबाला से चंडीगढ़ कनेक्टेड है एक लाइन हो गया अब ये उधर उस गांव से ये इधर इस गांव से वो उधर उस गांव से और वो दोनों गांव कनेक्टेड ऐसे कहने का मतलब एक स्किलटन खोजना उसके बाद इधर उधर जितने भी उसके ब्रांचेज हैं सब कुछ करना एक कॉप वे पूरा प्रॉपर तुम्हारा अच्छे से आ जाएगा सिंपलिस्टिक फॉर्म में उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा ट्राई टू डू इट बहुत मजा आएगा

कॉबवेब जो है उसको एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म में तुमको रखना है ठीक है जैसे बहुत सारा आपको पार्ट यहां पे मिलेगा सी से ए कनेक्टेड है ए से कोई कनेक्टेड है क्या पता नहीं ए से ई कनेक्टेड है है ना ठीक है ऐसे और क्या क्या मिलते हैं कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो सिंपलिस्टिक वे में चीजों को ला सकता है कोशिश करना एक बार बताता हूं मे बी मे बी नॉट नहीं पता मुझे एज ऑफ नॉट एक मिनट और दे रहा हूं कोशिश करो इसको सॉल्व करने का ठीक है कोशिश करो एटलीस्ट ट्राई अभी तुरंत बताना सर हो गया सेकेंड क्वेश्चन मैं दिखाऊं इसका क्वेश्चन लिखे हो ना आप लोग

टू मोर क्वेश्चन आर देयर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये देर आर टोटल थ्री क्वेश्चन okay ओके शेल बी स्टार्ट चलो करें ये दोनों क्वेश्चन भी लिखे ना कोशिश किए करने का कर। तीनों क्वेश्चन जो है अभी टोटल चार क्वेश्चन से शुरुआत हुई सी सेट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है इसके ऑप्शन ई डी ए बी है जो याद करा देना क्या क्या क्वेश्चन है अभी उसको मैं स्लाइड को फिर लाऊंगा और क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व करूंगा सब लोग अपना अपना आंसर मिला लेंगे ऑल राइट Online students have started giving the answers, okay. And answer has come from money as well as priti Kaur. Okay. Sorry, parnit Kaur. All right. इसका 78 क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि अगर रूट जो है g और c के बीच में क्लोज हो जाता है यानी क्रॉस हो जाता है रूट जो है खत्म हो गया देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस इन सब में से नीड नॉट बी पास्ड थ्रू व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम h टू c h टू c जब जाओगे तो कौन से ट्रेन को डेफिनेटली क्रॉस करने की जरूरत नहीं है यू नीड नॉट पास बाकी तीन जो है वो पास करना ही करना होगा लेकिन इनमें से कोई एक है जिनको बिना पास किए भी आप आराम से काम चला सकते हैं ठीक है ये इस क्वेश्चन को क्वेश्चन का मतलब एग्जैक्ट मतलब हुआ समझ में आए ना ये तो समझ में आ ही गया होगा कितने डिफरेंट वेज में ट्रेन जो है एफ टू ए जा सकती है विदाउट पासिंग एनी स्टेशन मोर देन वंस जैसा अभी हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने किया था एकदम सिंपलिस्टिक वाला ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और एक पजल है तो पजल से शुरुआत हो रही तो ऐसा मत समझना कि सर के ऊपर से पार हो रहा है बट समझना कि इस तरह की चीजें भी आती हैं कभी कभी ऐसा कनेक्टिंग पजल एक बार अभी पूछा एक बार और पूछा था दो बार पूछा है ठीक है हो सकता है आए हो सकता है ना आए ठीक है शुरुआत करें डिस्कशन पार्ट से चल अब चलते हैं बिना देरी किए फटाफट मेन क्वेश्चन में और प्लीज मुझे सजेस्ट करो कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है मैंने तुमको बताया था एक चीज कि यू आर फाइंडिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कनेक्टिंग लिंक ढूंढो ठीक है जैसे मैंने बोला अंबाला से दिल्ली आ, दिल्ली सॉरी से अंबाला फिर अंबाला से चंडीगढ़ ये एक मेरा स्केल्टन हो गया स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद जहां जहां ब्रांचेज हैं वो कर रहे हैं अगर ऐसे मैं ब्रांच खोजूं तो देखो तो जरा मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो करेक्ट है मैं आपसे पूछ रहा हूं या आप बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले क्या क्या कनेक्टेड एक लाइन एक लाइन में क्या क्या आ रहा है ए सी जी एच डी आ रहा है देखो उनका स्केल्टन एकदम करेक्ट आ गया है यानी ए जी सी एच डी जो भी कह रही हैं, वो कनेक्टेड है एक स्ट्रेट लाइन में बस जैसे ही ये पार्ट तैयार आपका हुआ ना बाकी सब कुछ आप आराम से कर सकते हो दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉज सेइंग आल्सो प्रीवियसली वही बात मैं पहले भी कह रहा था समझ में आया ना स्केल्टन एक इस सब क्वेश्चन uh, में ड्रॉ करना बहुत जरूरी उसके बाद क्वेश्चन आराम से बनेगा एक बार वो ड्रॉ हुआ उसके बाद क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका गलत गया या कुछ भी है क्योंकि आपने मेन पजल को सॉल्व कर लिया तो चलो देखते हैं इफ यू आर टेलिंग दैट देर आर ऑप्शन लाइक दिस C to A है E to G है B to F है D to H है G to C है E to C है H to G है जैसा मैं देख पा रहा हूं A and E है एंड e डी है और डी एंड एफ है समझ में आया मैं इनको ड्रॉ करने जा रहा हूं आपके आपकी मदद से बताइएगा जरा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ए से ई e हुआ ई e से डी हुआ और डी से एफ हुआ इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है चल अब ए e किसी कॉमन से कनेक्टेड होना चाहिए वो ढूंढते हैं सी टू ए है ना तो सी से ए को हम ऐसे दिखाएंगे चलेगा अब देखो सी और ई e कैसे कनेक्टेड है कहीं तो मिल ही जाएगा कहां पे है सी तो 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 e और ई e कनेक्टेड है क्या हाँ या ना ये रहा ई टू सी यस तो ई टू सी मैं दे दिया अब जरा देखो सी और ई e किसी एक से कनेक्टेड है क्या कहने का मतलब समझ रहे ना मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूं सी और ई e का कोई एक कॉमन होगा तो ई e जी से कनेक्टेड है और सी जी से कनेक्टेड है क्या हाँ जी टू सी भी है है तो G to C आ गया ये रहा एम आई करेक्ट और और e नॉट में क्या जरा बताना इी e है तो मैं एक एक करके बढ़ रहा हूं समझ में सबको आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूं आपके सामने है स्केल्टन पहले एक सिंपल सा लिया जो साफ साफ लिखा हुआ था नीचे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा हूं कैसे बढ़ा सबसे पहले c to a वाला रखा फिर c के बाद देखा कि c क्या e से भी कनेक्टेड है कनेक्ट कर दिया उसके बाद c और e का एक कोई कॉमन ढूंढा वो क्या मिला g मिला अभी तक इतना आए हैं और अब लग रहा है कि क्वेश्चन धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है अच्छे दिशा में चल g के बाद d का देखो तो g और d कनेक्टेड किसी से है क्या d to h है ओके जैसा आप बोले हम कर दिए और h to g है वेरी गुड अब ये भी दो हो गया है अब देखो जरा एच और एफ का कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या एफ से क्या है अच्छा एफ से बी है बी टू एफ है यस और उसके बाद जी एंड बी है और कुछ है क्या क्या बोला बी टू एफ है और जी टू बी है यानी जी एंड बी डबल वी से कनेक्टेड है एम आई करेक्ट और बी टू एफ है एम आई कनेक्टेड एम आई करेक्ट क्या मेरा पजल हो चुका है क्या जरा देखो तो कुछ और बचा है क्या हाँ या ना अगर नहीं बचा है तो ये बताओ इससे सिंप्लिस्टिक क्या कुछ भी हो सकता है इससे सिंप्लिस्टिक क्या कोई भी यहां पे और स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना और कुछ बचा है तो कहने का मतलब ये सारा जो है इस पजल को मैंने इस तरीके यहां पर रख दिया है नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पजल और वो आराम से होगा चलो बताते जाओ वाई ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच ठीक है बताना मुझे सी से एच जाने में सी टू एच ओके सी टू एच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू ये क्वेश्चन को इजी बना दिया यानी सी से एज जाने में कौन सा स्टेशन पास करना ही करना है लाइकवाइज ये क्वेश्चन को आसान बना दिया समझ में आया क्योंकि तो सब आपके पास है अब बताओ सी से एज जा रहे हो तो इधर तो जा नहीं सकते हो एकमात्र तो ये मेथड है यानी ए को तो जाना ही जाना है बट ए है ही नहीं यहाँ ऑप्शन में तो मैं लिख लिया सी के बाद ए ओके अरे मैं इतना तेज आप इतना नहीं होना मैं धीरे-धीरे चलूंगा सी के बाद ए Excuse me, sir. कितने सारे मेथड्स हैं वन इधर और वन इधर एमआई आई करना तो एफ डी ई हो रही है जी अब आ रही है जी अब क्या क्वेश्चन क्या है तो बस वही तो सही तो कर रहे हैं ये वेज बता रहा है हम तो अभी चल ही तो रहे हैं, तो 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 हैं।, तो तो हैं। हाँ तो एकदम सही कर रहे हैं मैम आप सुनो कह रहा है सिंपल कि एफ से ए जाने के कितने मेथड्स हैं कोई भी स्टेशन एक बार से ज्यादा पास नहीं होना है तो मेरा मेथड बहुत सिंपल है एफ डी उसके बाद यहां भी जा सकता है यहां भी जा सकता है लेकिन हमने गए इधर ठीक है एफ डी ई ए डायरेक्ट चले गए अब दूसरा मेथड ले रहे हैं एफ डी ई के बाद इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है क्या मैं लिखूं ऐसे काउंटिंग करना बस दो ऐसे काउंटिंग करना टाइम सेव होगा बट मैं यहां पर लिख रहा हूं बताना एफ डी के बाद क्या है ई e, देन G then C, then C A, am I correct? F D then E then C then A, ये तो हो गया F D E वाला काम सारा पूरा हो गया क्योंकि अगर आप F D E के बाद G जाओगे तो वापस यहां पे B अगर जाते हो तो वापस F पे आ जाएगा और मोर देन वंस जाना नहीं है ठीक है तो ऐसा जाओगे नहीं समझ में आया तो F D के बाद इधर का सारा काम हो गया इधर से भी हो गया और इधर से भी हो गया तीन आ गए अब बताओ एफ डी के बाद हम अगर ई e नहीं लेते हैं तो क्या होगा एफ डी के बाद एच जाना होगा फिर जी जाना होगा फिर सी जाना होगा फिर ए जाना होगा so गो चारों मेथड मैंने लिख दिया चार रास्ते लिख दिए ठीक है अब तीसरा क्वेश्चन जरा पढ़ के सुनाना मुझे क्या है तीसरा क्वेश्चन किसी के पास है क्वेश्चन ठीक तो ये रहा आपको एक डिफरेंट कलर से ये मैं करता हूं कौन सा क्लोज है बताना जरा जी एंड सी जी और सी के बीच ये स्टेशन को मैंने क्लोज कर दिया एम आई करेक्ट ये लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं कर रहा हूं एम आई करेक्ट हा एच टू सी अगर आपको एच से सी तक जाना है तो कौन सा ट्रेवल इस कंडीशन में पास नहीं करना जरूरी है सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन है ये दो, ये दो, वाला जो है, है। वो खत्म तो अब बताओ कि कौन सा स्टेशन पास नहीं करना पास करना नहीं जरूरी है एच टू सी जाना है कैसे जाओगे एच से जी भी जा सकते हो और एच से और कहीं नहीं जा सकते तो एच से जी जाना ही जाना है तो ये लो मैंने लिखा एच से जी गए आप इधर तो जा नहीं सकते ऊपर जा नहीं सकते आपका मेथड बी है उसके बाद तो एफ होगा ही होगा उसके बाद डी होगा ही होगा और फिर वापस जो है इधर नहीं आ सकते हो एम आई करेक्ट तो डी के बाद आपको ई e जाना ही जाना है एम आई करेक्ट उसके बाद ए जाना है यहां के बाद आप जरा देखो यहां तक आने के बाद आप सी जा सकते हो या ई e से डायरेक्टली सी जा सकते हो एम आई करेक्ट और नॉट तो E के डायरेक्टली बाद अगर C जा सकते हो सो देर इज नो नीड कि हमको A जाना जरूरी है समझ में आया ना हम देखो मेरी उंगली देखो यहां से ऐसे गए और डायरेक्ट ऐसे आ गए दिस स्टेशन नीड नॉट बी पास थ्रू एम आई करेक्ट नॉट तो ए ही हमारा आंसर होगा उस क्वेश्चन का अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का तो लास्ट दो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा C टू H, F टू A जाने के ये वन टू थ्री फोर मेथड्स हैं तो वो आंसर है और यहां पर जब ये वाला आपका लाइन खत्म है देन जी एंड सी जी टू सी जाने के मेथड हैं टू और जिसमें आपका एक ए के थ्रू होता है और ए के थ्रू नहीं होता है तो कहने का मतलब कौन सा स्टेशन पास नहीं करना जरूरी है ए नहीं जरूरी है मतलब बिना पास किए भी आप आराम से जा सकते हो लाइक वाइज सो ए इज द आंसर ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन इसमें अभी एज ऑफ नाउ ई मार्क करके चलो और हम लोग इसका फाइनल डिस्कशन अभी कर रहे हैं ठीक है एक बार सेंस पढ़ते हैं क्वेश्चन का क्या होना चाहिए ज दर्स ऑडिबल एज ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव ओके सेवेंटी फाइव क्वेश्चन क्या था अच्छा पता नहीं सेवेंटी फाइव क्वेश्चन कौन सा था काइंडली एक्सप्लेन अगेन आई एम टेलिंग यू आई हैथिंग सबसे पहले इस कॉबेब स्ट्रक्चर में ए डी एफ इसको एक स्केल्टन के तौर पर इस्तेमाल किया ठीक है उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेज जो थे कनेक्टेड वो वाले डाले तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया कैसे गए थे वो आपको पता है ए से सी आया था तो हमने सी और ई e का लिंक लिंक खोजा और और वो मिला G, फिर G और का जा, वो मिला मिला जी जी फिर डी का एच उसके बाद हमने देखा कि एक बी है जो जी से भी कनेक्टेड है और एफ से भी कनेक्टेड है और एफ डी के साथ कनेक्टेड है तो एफ को यहाँ पे जोड़ दिया तो मेरा पूरा ये स्केल्टन बन गया और बाकी सारा स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद बाकी दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं Final, जो जो नंबर क्वेश्चन है, 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 है? अभी फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है, while from C to H, C to H जाने के लिए, कौन सा स्टेशन है, जो पास करना ही करना ही एकदम जरूरी है। तो आप यहां पर कहा गया यही तो मेथड है ना यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि आपको ई जो है वो मस्ट बी आपको जाना ही जाना है ई उसके बाद आप जा सकते हैं यानी कि अगर यहां पर मान लो डी ऑप्शन रहे तो ये गलत कैसे है इसको तो हमको बताना होगा इसका किसी के पास एक्सप्लेनेशन है बताइए ओके टीज़ी। okay. यानी डी से पहले ई तो e को पास करना ही करना जरूरी है तो वाई ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच विच ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू दैट्स वाई इज द आंसर दिस इज वॉट यू आर टेलिंग ओके में और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब एकदम जो है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड वाला जो कॉपी है वो ओपन कर लो और वहां पर लिख लो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्वांट में हम लोग नंबर सिस्टम में डील करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम को और जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूं तो ये समझ जाओ कि ये रियली में इंपॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर से डील करता हुआ एक टॉपिक है और रिमाइंडर थ्योरम में है आपको हमेशा याद रखना है कि 2018 ऑनवर्ड रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं समझ में आया तो एक से दो क्वेश्चन अस्सी क्वेश्चन में से इसमें से आने की संभावना है तो ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल राइट प्लीज सी ओवर क्या कुछ गलत कर दिया क्या कैसे क्लोज होगा प्लीज राइट डाउन बताते जाओ क्या-क्या रिमाइंडर होता है 25 को 5 से डिवाइड करो जीरो रिमाइंडर होता है 256 को 5 से रिमाइंडर 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा सबको पता है ठीक है आप कोई मुझे बताओ कि 2 टू द पावर 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा क्या आएगा तुम बताओ केवल 10 सेकेंड टाइम है तुम तो मुंडी हिला रहे हो 1 आएगा मुक्का खाओगे टू टू दी पावर वन हंड्रेड को टू से डिवाइड करने पे वन रिमाइंडर आएगा ये बोलने वाले कुछ लोग मिल गए मुझे मुझे ये आशा आपसे बिल्कुल नहीं थी टू डिवाइडेड रिमाइंडर जीरो ही होगा क्योंकि ये इवेंट नंबर है और इवेंट नंबर को आप टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो होगा तो कुल मिला के आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी ये जो होता है डिविडेंड यहां होता है एम आई करेक्ट और ये जो है डिवाइजर होता है ये जो है कोशियंट होता है और यहां पे जो है रिमाइंडर होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर एम आई करेक्ट और नॉट कहने का मतलब ये है कि दिस डज मीन दैट अगर डिविडेंड से माइनस कर दे रिमाइंडर को तो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा चीजें समझ में आया फॉर एग्जाम्पल अभी लिखो लिखो मत पहले सुनो मेरी बात यहां पे हंड्रेड लिखो और यहां पे थ्री लिखो और यहां पे क्या आएगा रिमाइंडर वन आएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि हंड्रेड माइनस वन यानी कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हमेशा और हमेशा तीन से डिविजिबल होगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे समझ में आया दिविदेंगे। 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 ये डिवाइजर है ये डिविडेंड है ये कोशियंट है और ये रिमाइंडर है ठीक है तो मैं बहुत सिंपल सा एक चीज बताया कि जैसे ये हंड्रेड है ये 3 से डिवाइड कर रहा है और यहां पे रिमाइंडर वन आ रहा है तो वी कैन डेफिनेटली सी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर यानी कि हंड्रेड माइनस वन जो है हमेशा और हमेशा डिविजिबल किससे होगा थ्री से होगा अब एक और चीज है अगर यहां थर्टी थ्री आता है एम आई करेक्ट तो हमको ये तो अंदाजा हो गया होगा थ्री इंटू थर्टी थ्री हमेशा और हमेशा सौ से कम आएगा वाई बिकॉज एक रिमाइंडर छूट रहा है एम आई करेक्टर और hmm. और 3 into 34 जो होगा वो हंड्रेड के जस्ट नेक्स्ट जो नंबर है वो होगा जो थ्री से डिविजिबल है एम आई करेक्टर नॉट समझ में आया तो इफ वन क्वेश्चन इज बींग आस्ट दट वाट इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई नाइन तो आप बोलोगे ना

वो चार अंक की संख्या एम आई करेक्ट और नॉट यहां पे हमने बताया ये चीज नौ 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 इसको जब आप डिवाइड कर रहे हो नाइन से तो यहां आ रहा है वन 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 और रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो एम आई करेक्ट तो अगर पूछा गया कि वट इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई नाइन तो हमारा तो आंसर डायरेक्टली आ गया नाइन इंटू वन 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 तो इसका मतलब नाइन इंटू वन वन टू जो कितना होगा नौ सौ निन्यानवे में नौ और जोड़ दो नौ सौ निन्यानवे प्लस नौ जो भी है तो ये हमें बिल्कुल पता चल गया कि दिस नंबर इज द लीस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई नाइन एम आई करेक्ट और नॉट अब समझ में आ गया ना ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि नौ सौ निन्यानवे में नौ जोड़ दो तो आपको चार अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो नौ से डिविजिबल है अब मैं कहूं अगर यहां पर कि आप जरा बताओ मुझे कि वाट इज लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर आप आराम से बता सकते हो समझ में आया ना आया ना आया अब इसी तरह अगर कहे वट इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई नाइन गिवन एज अ रिमाइंडर वो भी बता सकते हो है ना समझ में आया चल ये पार्ट सबको समझ में आ गया है ना तो अभी जो हम लोग दो क्वेश्चन कहे वो क्वेश्चन अभी करेंगे बट चिंता मत करो पहले ये बताओ ये तो अच्छे से समझ में आ गया ये बहुत सिंपल है नाइन इंटू वन 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 हमको तीन डिजिट की संख्या दी लेकिन नाइन इंटू वन वन टू यानी कि नौ सौ नौ प्लस एक बार और नौ है ना वो हमें चार अंक की सबसे छोटी संख्या देगी एम आई करेक्टर नॉट तो अगर कहने का मतलब मैं क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय नाइन गिव्स वन एज अ रिमाइंडर तो दिमाग तो आया होगा ये नौ सौ निन्यानवे से कम नौ सौ अंठानवे है 997 है 996 है 995 है 994 है 992 है 991 है और 990 है तो 990 इससे जस्ट छोटी संख्या है जो कि 9 से डिविजिबल है इसका मतलब अब तो ये ले नहीं सकते क्योंकि वन रिमाइंडर देना है एम आई करेक्ट तो 9 11 वन वन की जगह 9 110 वन वन लिया तुमने अपने दिमाग में या नौ सौ से बस नौ घटा दिया तो वो क्या आया नौ सौ नब्बे नाइन हंड्रेड तुम बोलोगे नाइन हंड्रेड में सर बस एक जोड़ दो तो रिमाइंडर क्या आएगा वन आएगा ना तो हमारा आंसर आ चुका है नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन माइनस नाइन प्लस वन समझ में आया बहुत सिंपल सी बात है और वो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था व्हाट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर डिवाइडेड अ रिमाइंडर तो उसमें क्या करना है जो अभी हम लोगों ने किया नौ सौ इक्यानबे है ना नौ सौ किया ना नाइन नाइनटी वन उसी तरीके से आपको देखना है वो सबसे छोटी चार डिजिट की संख्या क्या होगी नौ सौ इक्यानवे में जब भी तुम नौ या अठारह या 27 या छत्तीस कुछ भी ऐड करते जाओ हमेशा रिमाइंडर वन आएगा ही आएगा यानी सबसे छोटी चार डिजिट खुद ब खुद एक हजार है नाइन नाइनटी वन प्लस नाइन हजार जिसको नौ से डिवाइड करोगे तो वन रिमाइंडर आएगा यानी दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे जिसको मैं लिखने जा रहा था और बनाने जा रहा था बट इतना सब आप कॉम्प्रिहेंड इस वजह से कर पा रहे हो क्योंकि तो ये जो पार्ट है ना ये आप अच्छे से समझते हो तो जो बचपन से करते आ रहे थे वो बस बचपन की बातें थी हम लोग यहां पर कुछ और जो है विस्तार से चर्चा कर रहे हैं एंड सबका इंपॉर्टेंस जान रहे हैं समझ में आया ना तो हमने क्या बोला रिमेंडर अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो हमेशा डिवाइजर से डिविजिबल होगा वेरी सिंपल इट मींस अगर ये कहा गया कि वाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है अगर हो जाता है, तो हमको तो ही बताना है तो उसमें कुछ नहीं करना है जब नाइन इंटू वन 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 हमें पता है ना क्या है तो नाइन इंटू सिंपल क्या कर देना है वन वन जीरो और प्लस वन कर देना है यही रिमाइंडर आएगा तो हमारा क्या हो गया और ये क्या इसी तरह अगर बोला जाए कि largest number बताओ जिसको जब नौ से डिवाइड करेंगे तो आठ आएगा रिमाइंडर में तो तुम क्या करोगे बोलोगे बहुत सिंपल एसर नाइन इंटू वन वन जीरो प्लस एट कर दो वेरी सिंपल नौ गुना एक एक शून्य प्लस आठ कर दो आपका आंसर आ गया नौ सौ अंठानवे नौ सौ अंठानवे को जब भी डिवाइड करेंगे नाइन से रिमाइंडर एट ही आएगा और वो सबसे लार्जेस्ट सच डिजिट नंबर होगा सच नंबर होगा अब बात आती है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर तो ये तो जहन में आ गया कि इसमें जैसे ही वन जुड़ेगा तो आ जाएगा फोर डिजिट नंबर लेकिन ये भी साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मल्टीपल्स के फॉर्म में इसमें नौ जोड़ो या नौ घटाओ जोड़ो या अठारह घटाओ वो सब जो है नाइन से डिविजिबल होगा ही होगा तो जब एक नंबर आ गया ऐसा नौ जिसको जब भी नाइन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा वन रिमाइंडर आएगा इसका मतलब इसमें अगर नौ जोड़ो या नौ घटाओ अठारह जोड़ो या अठारह घटाओ सत्ताईस जोड़ो या सत्ताईस घटाओ सब नंबर क्या देगा वन रिमाइंडर देगा तो जैसे ही इसमें नाइन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया वन थाउजेंड सो वन थाउजेंड इज दैट लीस्ट फोर डिजिट नंबर यानी कि ये प्लस वन नाइन इंटू वन 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 प्लस वन ठीक है अब यहां पर एक लास्ट सवाल अगर दे जो वर्बली आपको यहीं पर करना है कि वाट इज द लीस्ट फोर डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई नाइन गिवस एट एज अ रिमाइंडर बताओ तो जरा आठ रिमाइंडर देना है चार डिजिट का नंबर खुद यहाँ देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा यस तो कैसे आप किए सबसे पहले ये देखिए कि सौ नब्बे प्लस एक रिमाइंडर एक देता है नौ सौ अंठानबे क्या देता है रिमाइंडर जरा बताओ आठ देता है रिमाइंडर एक देता है रिमाइंडर तो इसमें जोड़ो नौ या घटा दो नौ या जोड़ो इसमें अठारह या घटा दो अठारह कुछ भी करो लाइक like दैट सब देता जाएगा कितना आठ रिमाइंडर एट रिमाइंडर तो आपने क्या किया सिंपली नाइन नाइनटी एट में दिमाग में नौ जोड़ दिया तो आ गया आपका एक हजार सात समझ में आया या सिंपली यहां पे देख रहे हो यहां पे ये कंप्लीटली डिविजिबल है इसमें क्या जोड़ दिए आठ जोड़ दिए आंसर आ गया वन थाउजेंड सेवन ये सब दिमाग की कसरत होती है इस सब को अलग से लिखाने वगैरह का जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे ये सब क्वेश्चन तो वर्बली पूछा नहीं जाएगा आप ये सब समझ जो है वो धीरे धीरे विकसित कीजिए क्योंकि तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब हम चले मेन रिमाइंडर थ्योरम में इसको रब आउट कर सकते हैं वन हंड्रेड टेन लिया ये जो है अब चलो देखो प्लीज राइट वन क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखो Find second smallest four digit number which when divided by nine gives. कोशिश करो ये क्वेश्चन अभी आपको लिखना है रिमाइंडर थोराम में अभी प्रिंसिपल तो बाद में बताएंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कोशिश करो इसको सॉल्व करने का मैं सोच रहा हूं ओके आप भी गया आंसर तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा करे अच्छे से जरा देखना जो हम लोग ने वहां पे किया है ना बस उसी पे ये आधारित है तो कहता क्या है कहता है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर तो बताओ स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है वन थाउजेंड स्मस्ट फोर डिजिट नंबर ये होता है अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं नाइन से ये लो नाइन वन जारो नाइन वन जा नाइन वन जीरो इट इज नाइन वन जगेन वन इज द रिमाइंडर यानी आप सबको पता है कि वन थाउजेंड माइनस वन क्या है नाइन से डिविजिबल है और इसमें जैसे ही जोड़ देंगे हम एट तो ये क्या हो जाएगा जब भी आप नाइन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या रिमाइंडर देगा आठ क्योंकि आठ एक्स्ट्रा है समझ में आ गया ना लेकिन ये पहला पहला नंबर होगा पहला फोर डिजिट नंबर होगा नॉट सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है दूसरा स्मॉलेस्ट आपको निकालना है तो आपको क्या करना है हम पहले ही बताए इसमें नौ जोरो, या जोरो जोड़ो या नौ घटाओ अठारह घटाओ सत्ताइस घटाओ सब केस में क्या होगा एट रिमाइंडर आएगा ही आएगा सो दिस इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट समझ में आ गया तो ये जो है वो आता कितना है जरा बताओ मुझे वन जीरो वन सिक्स आता है एम आई करेक्टर नॉट यही आता है ना पक्का और ये नंबर क्या आया था जरा बताओ ये आता है वन थाउजेंड सेवन समझ में आ गया अब एक इंटरेस्टिंग बात और समझ लो अभी मत लिखना कुछ भी अभी देखो बस इसको क्या हम लिख सकते हैं नाइन इन टू जरा मुझे बताना वन 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 प्लस कौन सा रिमाइंडर चाहिए था आठ चाहिए था क्या लिख सकते हैं ये समझ गया ना उसके बाद नोट करना बड़ा मजा आएगा जैसे जैसे मैंने स्टेप दिया है सब नोट करना और घर पे रिवाइज जरूर करना अब क्या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नाइन इन टू वन 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 सॉरी वन वन टू प्लस एट लिख सकते हैं हाँ या ना जरा बताओ तो आंसर आ गया है यही समझ होनी चाहिए एम आई और नॉट क्या हुआ हम कहीं कुछ गलती किए क्या अगर किए हैं तो बता दो क्या मैंने कुछ गलत किया इतनी शांति क्यों होगी नाइन इंटू वन 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 मैंने इसलिए किया क्योंकि डिविडेंट जो होता है दैट वन थाउजेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर होता ही होता है D is equal to small d into ये क्या है, Quotient plus remainder. ये होता है, ये होता है. अब सबको समझ में आ गया ना सब कुछ बच्चे में किए हुए हैं बस हम लोग थोड़ा ज्यादा समझे हैं रिमाइंडर के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है है ना नाइन क्यों ऐड किए ठीक है मैं बताता हूँ नाइन इसलिए ऐड किए क्योंकि ये पूरा जो नंबर है वो जब भी डिवाइड होगा ना तो आठ रिमाइंडर देगा ही देगा तो अब आठ रिमाइंडर देने वाला अगर कोई नंबर मिल गया तो उसमें नौ भी जोड़ दो तो भी आठ रिमाइंडर देगा अठारह भी जोड़ो तो भी आठ रिमाइंडर देगा कहने का मतलब ये एक नंबर अगर निकल गया कि हाँ ये हमको एट रिमाइंडर दे रहा है तो हम उसमें नाइन जोड़े या कुछ भी जोड़े वो भी रिमाइंडर देगा ही देगा कहने का मतलब ये नंबर हो गया आपका क्या नाइन इंटू वन 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 प्लस एट हो गया एम आई करेक्ट और ये नंबर जो हो गया वो हो गया नाइन इंटू वन वन टू प्लस एट वेरी सिंपल ठीक है तुमको सबको समझ में आ गया होगा नौ गुना एक 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 थ्री डिजिट नंबर होगा नौ गुना एक एक दो क्या होगा फोर डिजिट नंबर होगा वेरी सिंपल टू से तो सेकेंड स्मॉलेस्ट जो है आएगा क्या एक हजार जो है वो एक रिमाइंडर दे रहा था और एक हजार सात जो है वो आठ रिमाइंडर दे रहा था तो एक हजार सात में सिंपल नौ जोड़ दीजिए तो भी आठ रिमाइंडर देगा ही देगा ठीक है बाकी घर पे जाके करना चले मेन चैप्टर में आर यू रेडी ये सारा जो पार्ट मैं करवा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है किसी को भी बीच में जो अभी मिनट का या मिनट का जो भी ब्रेक मिलता है मिनट का जो भी ब्रेक मिलता है उसमें कुछ आपको स्लाइड करके देखना है नोट करना है ना आप नोट कर सकते मैम आपके चेहरे पे चिंता की लकीर दिख रही है ऐसा नहीं है ना आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ क्या चीज नहीं समझ में आई बहुत सिंपल सा कहा मैंने हजार को नौ से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है एक आता है तो आप एक को इसमें माइनस कर दो इसका मतलब क्या है आपको ऐसी संख्या निकल गई जो नाइन से डिविजिबल है है ना वो आया नौ सौ निन्यानबे आया ना अब हम इसमें नौ जोड़ने जा रहे हैं कितना आया एक हजार आठ अब इसमें फिर से नौ जोड़ने जा रहे हैं कितना आया एक हजार सत्रह फिर जोड़ने जा रहे हैं नौ कितना आएगा एक हजार छब्बीस अब इसमें से नौ माइनस करने जा रहे हैं कितना आया नौ सौ नब्बे फिर माइनस करने जा रहे हैं कितना आया नाइन हंड्रेड एटी वन वन ना आया यानी आप कह सकते हो कि दिस नंबर इज वॉट नाइन इंटू वन 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 दिस नंबर इज नाइन इंटू वन वन जीरो दिस नंबर इज नाइन इंटू वन जीरो नाइन एम आई करेक्ट उसी तरीके से यह नंबर क्या है नाइन इंटू वन वन टू ये नंबर क्या है नाइन इंटू वन वन थ्री ये नंबर क्या है नाइन इंटू वन वन फोर है ना अब मैंने बोला कि भैया बताओ फर्स्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा फोर डिजिट जिसको जब आप नाइन से डिवाइड करोगे एट रिमाइंडर आएगा तो आंसर क्या आ गया ये आ गया इसमें आठ जोड़ दो आ गया आंसर लेकिन ये बोला है सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट इसमें जोड़ना होगा आठ आंसर आ गया यही तो बताए हैं इतना सिंपल है है कि नहीं तो ये आपकी समझ को और ज्यादा विकसित कर देता है कि रिमाइंडर्स आर रियली इंपॉर्टेंट जिसको हम आज तक बहुत सिंपल समझते आ रहे थे वो उतना सिंपल फेनोमेना भी नहीं है उससे जुड़ा बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है एंड द क्वेश्चन इज वन पर्सन कैन मेक दैट वेरी क्वेश्चन इन टू मिनट टाइम एंड वन पर्सन कैन मेक द क्वेश्चन इन वनली 20 सेकेंड टाइम तो यहाँ पे डिफरेंस है समझ में आए ना ये जो आप 20 सेकेंड में ही कर सकते हो सवाल का समाधान वो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बना के जाऊं समझ में आया तो मैडम ने बोला हम हम तो समझ रहे थे कि थोड़ा प्रॉब्लम है उन्होंने बोला तो हम साफ-साफ लिख दिए ऊपर से नीचे ये सिंपल टेबल है आठ आठ जोड़ दिए आंसर हमारा आ गया इसी चीज को हम समझा रहे थे यस मैम प्लीज टेल सर ये क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूं इसी का बोलो मैम सर ये अच्छा। कांसेप्ट का एक और क्वेश्चन ऑलराइट तो ये सबको समझ में आ गया प्लीज राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर सेकेंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई विच वेन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन 15, which when divided by 15 gives gives 10 as the remainder. 10 as the remainder gives 10 as the remainder. कोशिश करो सॉल्व करने का. Largest four digit number 9999 होता है ना? कोशिश करो सॉल्व करने का हो जाए. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख ना अपने अपने लैंग्वेज में अच्छे से फेयर वर्क कर लेना दो क्वेश्चन हम लोग इसका करवा रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर मैंने कहा है विच मैन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन गिफ्ट कैन एज रिमाइंडर प्लीज डू इट सर आंसर विल बी वन थाउजेंड फिफ्टीन और सवाल आप ही ने पहले पूछा था ना ये वाला एक और दीजिए <laughs> और आंसर भी सबसे पहले इसी ने दिया है लगता है ओके मैम प्लीज टेल मी द आंसर अगेन नॉट शो सर नाइन थाउजेंड समथिंग आएगा मैम लार्जेस्ट <laughs> कहा था फोर डिजिट नंबर सेकेंड लार्जेस्ट कहा था इनफैक्ट ना सेकेंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर एक बार और ट्राई करो लास्ट थर्टी सेकेंड विथ यू ओके ओके लेट अदर्स डू लास्ट थर्टी सेकेंड विथ यू आप हाँ दिखाओ कैसे दिमाग में गया <laughs> जल्दी करना मैंने। हुआ उंडन okay. ओके hmm. कोई भी जरा सोचेगा कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो नाइन 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 जीरो कंप्लीटली डिविजिबल है ना पंद्रह से फिफ्टीन सिक्स या नाइनटी फिर फिफ्टीन सिक्स या नाइनटी फिर फिफ्टीन सिक्स या नाइनटी कोई भी जरा सोचेगा सर ने बहुत सिंपल डेटा दिया है नाइन 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 सबसे बड़ा फोर डिजिट नंबर निकला तो सेकेंड बड़ा फोर डिजिट नंबर क्या होगा उसमें से आप पंद्रह घटा दो तो नौ 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 शून्य से पंद्रह घटाओगे तो क्या आएगा नौ नौ सात पांच रिमाइंडर कितना आना है पांच ना पांच ना फाइव ऐड कर दो आ गया नौ नौ सात पांच प्लस पांच यानी कि नौ नौ आठ शून्य चलो करते हैं इस क्वेश्चन लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर मैंने लिखा यहां पे डिवाइड किया 15 से रिमाइंडर क्या आ रहा है बताना 15 सिक्स या 90 15 सिक्स या 90 15 सिक्स या 90 हाँ ये नाइन आया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है क्या नाइन सो इट मीन फिफ्टीन इंटू सिक्स 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 जो है लार्जेस्ट हमारा ये नंबर है अब इसमें जैसे ही फाइव करेंगे ऐड तो हमारा क्या आ जाएगा लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर और जैसे ही करेंगे फाइव फिफ्टीन इन टू सिक्स सिक्स फाइव प्लस फाइव तो हमारा आ जाएगा क्या रिक्वायर्ड आंसर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्योंकि फाइव ही बोला था ना रिमाइंडर होगा टेन बोला था आई एम सो सॉरी तो ये हो गया दस आई सॉरी ये हो गया दस ठीक है समझ में आ गया ओके okay. अब चलो अब इसी को थोड़ा वे में करते हैं तो जरा बताओ यहां नाइन 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 में माइनस नाइन करो तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है इससे बताना जरा कंप्लीटली डिविजिबल है अब जरा बोलो ये आता क्या है नो 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 शून्य एम आई करेक्ट रिमाइंडर क्या देना है दस देना है एम आई करेक्ट तो बताओ सबसे पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा जो दस रिमाइंडर देगा इसमें हमको क्या करना पड़ेगा माइनस क्यों किया क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो नाइन आया है यानी दिस इज द लार्जेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय व्हाट? दैट इज डिविजिबल बाय फिफ्टीन बहुत सिंपल तो अगर इसमें दस जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है हमारे पास फाइव डिजिट नंबर आ जा रहा है Am I not? यानी इसमें आप पंद्रह माइनस करो तीस माइनस करो या पंद्रह प्लस करो या तीस प्लस करो सब यही हमारा केस देगा ही देगा कि ये फिफ्टीन से कंप्लीटली डिविजिबल है एम आई और नॉट तो यहां पे सिंपल पंद्रह जोड़ते जाओ बताना जरा क्या होता है कितना होता है एक शून्य 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 पांच एम आई करेक्ट करना आप yes. पंद्रह माइनस करो जरा बताओ क्या होता है नौ नौ सात पांच और पंद्रह माइनस करो नौ नौ शून्य, एम आई करेक्ट अब इसमें और जोड़ेंगे तो क्या आएगा वन जीरो जीरो टू जीरो यानी बहुत सिंपल है कि हमारे पास ये सारे नंबर ऐसे निकल रहे हैं जिसको फिफ्टीन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आता है रिमाइंडर नहीं आता है कम्प्लीटली डिविजिबल 15 से हैं ये तो सबको सिंपल एकदम हो गया होगा एम आई करेक्ट ठीक है समझ में आ रहा है ना चलो अब सुनो रिमाइंडर क्या बोला है 10 प्लस 10 करो प्लस 10 करो प्लस 10 करो अपने दिमाग में ये सब करना यहां भी प्लस 10 करो और जरा बताओ कि सेकेंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर कहां से निकलेगा अगर आपने इसमें 10 जोड़ दिया तो आपको क्या हो जाता है क्या मिल जाता है फाइव डिजिट नंबर सो दिस इज नॉट द केस सो दिस इज द केस एम आई करेक्ट और नॉट नौ नौ सात शून्य ही हमारा आंसर आएगा समझ में आया तो सबसे ट्रिकी पॉइंट यहां पे क्या मैंने दिया था दस रिमाइंडर आएगा टेन जैसे ही ऐड करते हो दिस इज अ फाइव डिजिट नंबर जो आप नहीं ले सकते एम आई करेक्ट और नॉट बिकॉज क्वेश्चन ही कहा गया है सेकेंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर आंसर इज इक्वल टू नाइन नाइन सेवन जीरो समझ में आया तो यहां पे जो मैं लिख रहा था वो ये था कि 15 into 666, जो भी होता है प्लस 10 करो आंसर क्यों नहीं होगा क्योंकि वो फाइव डिजिट नंबर हो गया फिफ्टीन इंटू सिक्स फाइव प्लस टेन में बी द आंसर फिफ्टीन इंटू सिक्स फोर प्लस टेन विल बी द आंसर एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको समझना बहुत आसान है बनस्पत इसके तो क्यों ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि सिक्स 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 बहुत लार्ज नंबर है लेकिन इसको समझना बहुत आसान है तो हमने कौन से प्रिंसिपल का यूज किया डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय डिवाइजर केवल इसका और कुछ नहीं है समझ में आ गया ना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया अब सच सच बताओ कि यहां बैठे और ऑनलाइन बैठे कितने सारे लोगों का नौ नौ सात शून्य आंसर आया था प्लीज रेज योर हैंड आपका आपका नहीं ये नाइन नाइन सेवन जीरो किसका किसका आंसर आया था आप, यस आपका नाम क्या हुआ आरती आपका के, आपका नाम क्या है सरोजनी सलोनी और किसका आया था यहाँ पे तुम्हारा कुमल हाँ क्या आया नाइन नाइन सेवन जीरो आंसर था, <laughs> <laughs> था हाँ या ना एनी ऑनलाइन स्टूडेंट हुई द आंसर शायद नहीं तो समझ में आ गया ना अब हम लोग चलते हैं मेन पार्ट में ओके प्लीज राइट इट डि लिखना है लिख लो आई एम गोइंग टू रब इट आउट जो भी लिखना है इसमें लिख लो टेन सेकेंड टाइम आपके पास है.

नोट करके वो तीन पॉइंट दे दोगे तो इतना सारा जो हमारा डिस्कशन है उससे प्रोडक्टिव कुछ पॉइंट हमेशा आपको याद आ जाएगा कि सर ने बहुत अच्छे से बताया था किसी हमारा फिफ्टीन इंटू सिक्स फाइव प्लस टेन जो है वो हाइस्ट सच नंबर आता है और फिफ्टीन इंटू सिक्स फोर प्लस टेन जो कि हमारा ये आया है नौ नौ सात शून्य ये हमारा करेक्ट आंसर है बस ठीक है? हाईएस्ट सच नंबर लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड हाईएस्ट सच नंबर तो वो नीचे वाला जो है हमारा आंसर है वेरी सिंपल इसके बाद कभी कोई दिक्कत इस सेंस में होगा ही नहीं चलिए मेन पार्ट में आप नोट करके लिख लिया ना ये तीनों पॉइंट आपको हमेशा याद दिलाएगा इस पार्ट ऑफ डिस्कशन का अच्छे से ये पूरा पार्ट लिख लेना बहुत सिंपल है इंडिविजुअली सबको डिवाइड करो x से p बाई एक्स क्यू बाई एक्स आर बाई एक्स और सबको मल्टीप्लाई कर दो डॉट 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 तो ये हमारा रिमाइंडर होगा और अगर जो रिमाइंडर आ रहा है ये हमेशा डिवाइजर से अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर से प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा इफ इट इज ग्रेटर देन द डिवाइजर द प्रोसेस इज रिपीटेड बस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लो समझ में आ गया ये तो अभी तक सबको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर जो है कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता ये तो सबको समझ में आ गया होगा बस वही है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है बस इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे एग्जाम्पल करें चलो कहीं भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछ सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर विथ यू केवल इसी को अप्लाई करना है बताओ जरा ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन वेन डिवाइडेड बाई इलेवन व्हाट इज द रिमाइंडर ये है एग्जाम्पल नंबर वन ठीक है तो करें हम लोग यहां पर देखो जरा ध्यान से हमने क्या करना है हमने बहुत सिंपल सा प्रारूप अख्तियार करना है एंड व्हाट इज दैट इंडिविजुअली डिवाइड पी इंटू क्यू इंटू आर देखो तो ये पी इंटू क्यू के फॉर्म में है ना एंड डिवाइड किससे करना है इलेवन से एंड वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर वी हैव टू इंडिविजुअली डिवाइड पहले इससे डिवाइड करो फिर इससे डिवाइड करो एम आई करेक्ट नॉट इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया वन है ना यानी यहां पे क्या आया वन अब क्यू को एक से डिवाइड करना है यानी ये Q है? को जैसे ही इससे डिवाइड करें तो ये आता है चार और देखो तो रिमाइंडर को क्या करना है मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर क्या हो गया वन इंटू फोर बराबर फोर एम आई करेक्ट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड एग्जाम्पल इज ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन इंटू सिक्स सेवन वेन डिवाइडेड बाई नाइन वॉट इज द रिमाइंडर प्लीज टेल मी कोशिश करो खुद से करने का कोई भी कैलकुलेटर की मदद नहीं लेगा वैसे भी कैलकुलेटर आपको कभी रिमाइंडर तो बताता नहीं सौ बाईस एक सौ बाईस हमेशा याद रखो डिवाइजर से बड़ा है नौ से बड़ा है यानी नौ अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तक एट के बाद नहीं आएगा जीरो आएगा आंसर हो सकता है ओके okay, हो सकता है शैल वी डू इट हो गया है ना चलो अब देखो जरा हम किस कलर से करें उसी कलर से करते हैं ये कलर से देखो जरा ध्यान से क्या ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन में हमें दिख रहा है थ्री इंटू थ्री यहां पर है यानी नाइन से कंप्लीट यहां पे कट जाएगा अगर कंप्लीट कट जाएगा तो वही वाला केस आया ना वट इज द रिमाइंडर वेन टू टू दावर वन थाउजेंड इज डिवाइडेड बाई टू रिमाइंडर क्या आया था जीरो यानी तीन से इधर कट गया और तीन से इधर कट गया नीचे में वन आ गया और वन से किसी में आप डिवाइड कीजिए क्या आएगा रिमाइंडर जीरो ही आएगा तो ऐसे भी कर सकते हो बट हम लोग चलते हैं इस प्रारूप पे बताना जरा बारह को डिवाइड करो नौ से फिर उसके बाद पंद्रह को डिवाइड करो नौ से अरे इतना क्यों बताने जा रहे हैं यहां पे? यहीं पे डायरेक्ट करो यहां रिमाइंडर यहां रिमाइंडर यहां रिमाइंडर बताना ओके ये रहा थ्री ये रहा नाइन वन जाइन तो सिक्स सिक्स आया और ये कितना आया सिक्सटी थ्री तो फोर आया थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर करेंगे थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर डिवाइडेड बाय नाइन अब करने का तरीका देखना आप या तो सबको मल्टीप्लाई कर दो या केवल दो को मल्टीप्लाई करो चलेगा चलेगा केवल दो को मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल देखना जरा एक तरीका है यहां लिखने का एटीन इंटू फोर एक तरीका लिखने का यहां पे क्या है बोलो जरा थ्री इंटू ट्वेंटी फोर वेन डिवाइडेड बाई नाइन चलेगा ना हम बोल रहे हैं कि हर तरीका आजमा के देखते हैं कि ये करेक्ट बैठ रहा है कि नहीं एम आई करेक्ट अब बताओ नाइन से जैसे ही इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो आंसर आ गया आ गया ना आया कि नहीं आया यही समझ में आ रहा है ना मैम जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन वाला आ रहा है उसको इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर जो आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर जो आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो है ना अब चलते हैं इसमें बताओ तो तीन को नौ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा तीन ही आएगा ना क्या बताओ चौबीस को नौ से डिटीन तो सिक्स आ रहा है तो फिर से क्या करोगे थ्री इंटू सिक्स एटीन। और एटीन डिवाइडेड बाई नाइन क्या होता है जीरो समझ में आ गया ना तो आप देखो कि हमने इस प्रोसेस को देखते हुए कैसे किया है पहला तो वो डायरेक्ट डिवीजन वाला दिमाग में किए कि नीचे जैसे ही वन आया नाइन वन जा और इधर से आराम से कट रहा है तो रिमाइंडर इज गोइंग टू तो बी एम आई करेक्ट लेकिन उसको अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो मैंने क्लियरली तोड़ा है तो आप ही ने बताया मुझे यहाँ तीन होगा यहाँ छह होगा यहाँ चार होगा और मैंने उसी तरह किया क्या ये एग्जाम्पल भी समझ गए ये बनाने का जो मेथड था वो ये था कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपको लिखना है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या है

हम किसी भी मेथड से करेंगे हमको रिमाइंडर जीरो ही आएगा कहने का मतलब ये समझ में आपको आ गया होगा है ना क्या बोर्ड पे लिखा सब कुछ आप लोग कर चुके हैं लिख चुके हैं फटाफट एग्जाम्पल करो चार एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं फटाफट करो इसलिए आता है क्योंकि थ्री कैन बी रिटन एज नाइन इंटू जीरो प्लस थ्री है ना <laughs> तो अगर आपको सत्ताईस को तीन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा 28 को करोगे तो एक आएगा 29 को करोगे तो दो आएगा 26 है हम बोलेंगे माइनस वन आया है माइनस टू आया है, तो ये सब सोच है जो आप समझ सकते हो जब नंबर ही छोटा है तो आप वही रिमाइंडर लिखोगे क्योंकि वो तो ही नहीं सकता है, है ना चलो अब हम चले मेन एग्जाम्पल की ओर ये भी बोर्ड पे ऐसे ही हैं जिनको कुछ भी स्लाइड से वापस जाके लिखना है लिख लेंगे प्लीज कम डाउन टू मेन पार्ट एग्जाम्पल वन जल्दी जल्दी करना There are three questions. Please do it. Okay? ये कभी मत सोचना कि सर जो है बड़ा बड़ा चीज देते चले जा रहे हैं सब वही छोटे से प्रिंसिपल पे बेस्ड है मैं आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं एग्जामिनेशन के लिए जिसका नाम है सी सेक्ट मे बी मे बी नॉट नाइन्टी फोर पॉइंट नाइन से आ जाएगा

पिछले साल भी आया था एक पार्ट रिमाइंडर थ्योरम पिछले साल भी मौजूद थी कोमल तो पिछले साल भी डिस्कशन हुआ होगा ये <laughs> प्रॉब्लम लेकिन इस साल कोमल का नया जवाब सर रिमाइंडर हम माइनस में देंगे ओके <laughs> <laughs> okay. हो गया मैं आपके पास आ रहा हूं देर इज वन पर्सन हु इज टेलिंग हो गया सारा का सारा ओके okay. हाँ जी बताओ दिखा क्या ये नहीं ये यहाँ से कहाँ से इसको कौन ठीक है इसको कौन

उसके बाद वाला क्वेश्चन वोस थ्री है पहले में हाँ यही वन आएगा ना वन था दूसरे में वन आया तीसरे में थ्री वन वन आया वन। लास्ट वाले, 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 वाले में लास्ट वाले में क्या किया है दो की पावर दस ले लीजिए दो की पावर दस ले लू उसको सात से डिवाइड कर दिया दो की पावर दस सात से डिवाइड कर दिया गुना दो की पावर दस ऐसे करते करते तुम जाओगे ठीक है चलो तो क्या गया टू टू दावर टेन टू दावर वन बाय बाई सेवन को डिवाइड किया एक हजार चौबीस को सात से डिवाइड किया दो आया फिर टू टू दी पावर वन हंड्रेड अगेन आया फिर करोगे दो पावर दस तो फिर आएगा टू फिर टू टू दावर टेन आएगा लास्ट में जाके तुम्हारा आंसर तो हुआ शैल वी डू इट राइट नाउ हर क्वेश्चन को नए स्लाइड में जो है हम लोग मिलके करेंगे और करने का ना अलग अलग तरीका होता है वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर को अब खत्म करना है और अच्छे से समझ के शैल वी गो टू द न्यू स्लाइड हमको पहला सवाल याद दिला देना क्या था? बोलो पहला सवाल क्या है उसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर थोड़ा मैं बताता हूं ट्वेंटी सेवन को तुम थ्री से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा जीरो ट्वेंटी एट को डिवाइड करोगे थ्री से रिमाइंडर क्या आएगा जरा बताओ ट्वेंटी नाइन को करोगे तो क्या आएगा थर्टी को करोगे तो क्या आएगा वापस से ठीक है उसी तरीके से अगर इसके पहले ट्वेंटी सिक्स को डिवाइड करोगे ट्वेंटी सिक्स को डिवाइड करोगे थ्री से तो रिमाइंडर क्या आएगा फिर से वापस से जीरो वन टू जीरो वन टू लगातार आते जा रहे हैं लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां पे माइनस वन लिख लेते हैं एम आई करेक्टर नॉट उसी तरीके से ट्वेंटी फाइव को जब डिवाइड किए थ्री से तो ये माइनस टू आ रहा है ठीक है तो जब भी निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो इन दैट केस क्या करेंगे एड निगेटिव रिमाइंडर टू डिवाइजर टू गेट

अब बताओ ये जो मैंने लिखा ये कैसे ट्रू है एड निगेटिव रिमाइंडर टू द डिवाइजर तो निगेटिव रिमाइंडर कहां कहां आया आया है आया. तो है 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 ऊपर तो डिवाइजर डिवाइजर कौन कौन यहां यहां पे पे तो बताओ मुझे मेन क्या आ गया यहां पे वन यहां पे क्या आ गया टू यानी कहीं भी निगेटिव रिमाइंडर दिखे तो आप आराम से उसको डिवाइजर में एड कर दो प्रिंसिपल केवल इतना है एम आई करेक्ट ठीक अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं क्वेश्चन बताओ कौन सा है ठीक है क्वेश्चन को करने से पहले ये ऑफ़ नेगेटिव रिमाइंडर में ये 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 वाला एग्जांपल प्लस पार्ट आप जरूर लिख लेना ठीक है ये जरूरी ठीक है अभी इसका हम एग्जांपल के फॉर्म में भी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कहीं कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इज इट डन अब इसका एग्जाम्पल सबसे पहले कर रहे हैं एग्जाम्पल यहां मैं लिखा थ्री सिक्सटी फाइव इंटू थ्री सिक्सटी सिक्स वेन डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स वट इज द रिमाइंडर सपोज ये मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको दिया है ये करना है एम आई करेक्ट एग्जाम्पल आपके सामने अब आप बताओ 365 को अगर 367 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा माइनस टू आएगा ना माइनस टू आएगा क्योंकि दो कम है कम है समझ में आ रहा है ना हम ऊपर लिख दिए माइनस टू तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ माइनस वन यहाँ पे क्या होगा माइनस थ्री और यहाँ पे क्या होगा हाँ माइनस टू एम आई करेक्ट अब प्रिंसिपल तो सेम है सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर क्या आया बोलो जरा आंसर आया माइनस टू इंटू माइनस वन इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू दो गुना एक दो गुना तीन गुना दो बारह बारह हमारा आंसर है अब आप बोलोगे सर दूसरा एग्जाम्पल दो ये रहा दूसरा एग्जाम्पल थ्री सिक्सटी फाइव इंटू थ्री सिक्सटी सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी सेवन वेन डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी एट वट इज द रिमाइंडर बताओ जरा क्या क्या करेंगे प्लीज टेल मी इसको डिवाइड करो कितना आता है जरा बताओ माइनस थ्री ये कितना आया माइनस टू ये कितना आया माइनस वन सबको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है जरा बताओ माइनस सिक्स आएगा तो माइनस सिक्स जब आया निगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम किसमें ऐड करेंगे जरा बताओ डिवाइजर में डिवाइजर यानी जो भाजक है उसमें हम ऐड करेंगे वेरी सिंपल तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा जरा बताओ 368 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 362 दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन तो आपके पास दो एग्जांपल भी है निगेटिव रिमाइंडर वाले के नीचे ये दोनों एग्जांपल जरूर लिख लें समझ में आया आप बिल्कुल पॉजिटिव रिमाइंडर है तो उस हिसाब से बनाओ निगे खुद करोगे ना कॉपी में देगा ही इसको करने जाओगे तो क्या आएगा 365 फाइव भी आएगा अब 365 सिक्सटी इंटू थ्री कैलकुलेटर भी हो सकता है जवाब दे दे इंटू थ्री करने में समझ में आए ना तो ये बहुत हो जाएगा लेकिन इस मेथड से क्वाइट इजी टू डेफर्ट ऑनलाइन स्टूडेंट Are you you. able to understand two examples of negative remainder? I I already gave. Diksha, am asking you. Ishika, Komal, mani मनी और कौन है शायद कोई नहीं हाँ परनीत कौर भी है यस समझ में आ गया ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया ना मैम मैम समझ में शमा समझ में आ गया आपको शशमा भैया समझ में आया ओके okay, अब हम चलते हैं पहले सवाल पे जो भी स्लाइड में लिखा है कुछ भी मिटेगा नहीं क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है अभी ब्रेक में आपको अगर लगे कि इंपॉर्टेंट हाँ, है वो स्लाइड बैक करके देखना तो आप आराम से देख लेना जो ऑनलाइन स्टूडेंट आराम से रिकॉर्डेड क्लास में कर सकते हैं आप भी यहां पर देख सकते हो और अच्छे से फेयर कॉपी करना और हमेशा याद रखो क्वांट की कॉपी अलग रहेगी और रीजनिंग की अलग रहेगी अरे अब मुझे पहला क्वेश्चन याद दिलाओ क्या था पहला क्वेश्चन रिमाइंडर कितना आएगा बोलते जाओ हाँ बोलना जरा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन हंड्रेड टाइम्स क्या होगा आंसर वन यहां पर क्या आएगा जरा बताओ वन इंटू वन इंटू वन फिफ्टी टाइम्स बराबर क्या आएगा वन तो दो मेथड है करने का आप निगेटिव रिमाइंडर का भी आप देख लो और पॉजिटिव रिमाइंडर का भी देख लो ये सबको समझ में आ गया होगा आराम से दैट दिस कैन बी रिपनेस टू टू पावर टू फोर टू पावर फिफ्टी वैसे मैं अभी सर्ट्स में इसको थोड़ा बताऊंगा हल्का सर बाकी आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा है ना ये करने का तरीका है मेरे पास समय कम है जल्दी से नोट करें और आंसर सही है तो टिक मार्क लगा लें मैडम तो दो डिफरेंट मेथड में आंसर डिफरेंट होगा <laughs> गजब है समझ में आए ना दो 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 सौ टाइम लिखो या चार 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 पचास टाइम लिखो आंसर वन ही है। क्या आंसर तो आ रहा है ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताना दूसरा स्लाइड करो आप क्या ये बोल रहे हैं कि टू इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे माइनस वन कर दे यानी यहां से करो तो माइनस वन हो गया यानी माइनस वन टू दावर वन हंड्रेड इज इक्वल टू वन आ गया आंसर वही चीज ऊपर मैंने किया इतना लंबा लिखने की जगह आप आराम से ऐसे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं बात बराबर है बस मैं समझाने के लिए आपको बताया दैट इज अ थिंग इतना मैं समझ रहा हूं कि इस तरह से आप समझ गए होंगे आराम से क्या करना है बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना तो हाँ तो नाइन से डिवाइड करो यहाँ कितना आया पांच गुना यहाँ नाइन सिक्स फिफ्टी फोर वन गुना यहाँ पे नाइन सिक्स या फिफ्टी फोर ऑलरेडी आ चुका था फिफ्टी फोर तो यहाँ पे वन फाइव यानी नाइन वन या नाइन तो सिक्स आया रिमाइंडर अब यहां बोलना ये ऑलरेडी सिक्स आया था ना रिमाइंडर तो सिक्सटी फाइव हुआ सिक्सटी फाइव समझ में आया ना कैसे हम जा रहे हैं यहां सिक्स ऑलरेडी आया था तो इसका मतलब यहां तक डिवाइड करने के बाद सिक्स आता है 65. 65 को जब आप करो नाइन से तो क्या आया टू माइनस फोर भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अरे हम कर देंगे मत घबराओ ठीक है तो आ गया क्या हमारा आंसर जरा बताओ अब हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं या तो सबको मल्टीप्लाई करो या तो नहीं करो ठीक है तो फाइव सिक्स या थर्टी इंटू टू लिख सकते हैं ना अब इसको डिवाइड करो नाइन से क्या आएगा जरा बताओ नाइन से डिवाइड करते हो नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन थ्री आया और यहां पर क्या आया टू आया तो आंसर सिक्स आया या पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता है थर्टी इंटू टू सिक्सटी सिक्सटी वे डिवाइडेड बाई नाइन क्या आता है रिमाइंडर सिक्स आएगा ना अब देखो अब जो मैडम बता रही हैं उस हिसाब से चल रहे हैं देखो जरा यहां पे वो क्या माइनस फोर यहां पे वन ही रहने दी यहां इसने माइनस थ्री कर दिया एम आई करेक्ट और यहां पे टू ही रहने दिया तो यहां क्या गया फोर थ्री जा ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर वेन डिवाइडेड बाई नाइन नाइन टू जाइटीन यानी आ गया सिक्स आंसर जैसे करना है वैसे करो कोई दिक्कत ही नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर करना है वो करो yes, but... और कॉन्सेप्ट concept... तो वहां पर आ रहा है तो मेरा क्या डिफरेंट आ रहा है ठीक है अरे छे यहां रिमाइंडर आया तो मतलब तो माइनस थ्री है ना हुआ हाँ माइनस थ्री को ऐड कर दोगे डिवाइजर में तो कितना आता है इसको ऐड कर दो यहाँ पे ऐड तो क्या आएगा सिक्स ही आएगा ना बहुत सिंपल इस माइनस फोर को अगर हम डिवाइजर में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा ये फाइव ही आएगा ना समझ में आ रहा है ना बहुत सिंपल चलाई गो टू द न्यू न्यू पेज हर क्वेश्चन को दो दो तरीके से बता रहे हैं चलो बताओ दूसरा क्या था तीसरा टू बाई सेवन टू बाई से डिवाइडेड बाई सेवन अब देखो सात किसके पास है सात आठ के पास है और सबको टू टू दावर वन से लेकर टू टू दावर टेन तक याद रखना है बोलो टू टू दावर वन क्या होता है टू

टू क्या होता है वहां से लेके पूरा जो है सिक्सटी फोर डायरेक्ट आएगा तो आपको डायरेक्ट करना होगा बनाया हुआ हूं दिमाग में बत्तीस जो है थर्टी टू जो है वो पावर क्या होता है फाइव होता है ये बेस बनाया हुआ हूं तो अब हमको बताना है, 128 क्या होता है? तो बत्तीस में कितना इंटू टू इंटू टू करेंगे यानी दो बार तो दो एड कर दिए फाइव प्लस टू सेवन दिमाग में आ गया एक सेकंड में तो इस तरीके से चीजें होती हैं समझ में आ गया आप बोलेगा जीरो वेरी सिंपल चलो तो अब हम ये किस लिए बता रहे हैं अब आपको समझ में आ ही गया होगा टू टू दावर थ्री क्या होता है आठ और आठ क्या है सबसे ज्यादा इसके नजदीक है एम आई करेक्ट और नॉट समझ में आया तो अब हम इसी के बेसिस पर आगे चीजों को लेके चल रहे हैं वाई बिकॉज सेवन इज क्वाइट नियर टू 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 दावर थ्री हम इस वे में आराम से कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं टू टू दावर थ्री इंटू टू टू दावर थ्री इंटू टू टू दावर थ्री कितना टाइम होगा सबको पता है कि 1000 को थ्री से डिवाइड करने पे यहां थ्री थर्टी थ्री आता है और रिमाइंडर वन आता है सबको पता है है ना तो बताओ कितना टाइम आएगा ये तीन सौ तैतीस टाइम्स आएगा और लास्ट में क्या बच जाएगा टू टू दावर वन बच जाएगा अब हम बताते हैं एक लॉ सर्ट्स का सर्थ का मेथड क्या कहता है कि आपका अगर ए टू दावर मैं नोट करवा भी दे, दे, दे रहा हूं यहां पे वेन ए टू दावर एन इंटू ए टू दावर एम इंटू ए टू दावर के इंटू ए टू दावर एल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सारा बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं पावर एड हो जाता है तो यहाँ पे सारा पावर ऐड होगा तो तीन 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 तीन, तीन अगर तीन सौ तैतीस बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा नौ सौ निन्यानबे आ जाएगा और नौ सौ निन्यानवे में ये बचा एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा एक हजार जो कि ये है सबको समझ में आ गया ना आप बताओ इसको डिवाइड किससे करना है सेवन से And this can be written as what 8 into 8 into 8 kitna times 333 times aur last अभी कोई मत लिखना 2 मत लिखना डिवाइड करते हैं सेवन से अब कोमल बताएगी सर यहाँ पर आप माइनस सिक्स लिखो लेकिन हम वन ही लिखेंगे क्योंकि माइनस सिक्स लिखो या वन लिखो बात बराबर है तो चलो लिख रहा हूं यहां पे क्या आया प्लीज टेल मी यस दिस हैज कम एज वन यहां आया वन यहां पे आया वन इसी तरह डॉट डॉट करते चला गया सब इंटू इंटू होगा और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ टू का टू ही आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया दो आंसर सबको समझ में आ गया ठीक है अब एक भाई साहब जो है क्या हाँ को सेवन से डिवाइड करने पे टू ही रिमाइंडर आएगा ना या तो टू दे दो नहीं तो, भी वहां तो भी आपका आएगा। को सबसे कर दो माइनस फाइव आया माइनस फाइव को इससे ऐड कर दोगे तो दो ही आएगा ठीक है ना ठीक है ना चलो अब मेरी बात समझना अब यहाँ पर एक महानुभाव जो है वो किसी दूसरे मेथड से किए हैं वो क्या मेथड से किए हैं जरा देखना उसने इसको लिखा टू टू दावर टेन कोर टू दावर टेन सॉरी टेन नहीं वन हंड्रेड वेन डिवाइडेड बाई सेवन तो उसने देखा कि एक हजार चौबीस को जब हम सेवन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है दो समझ में आया तो उसने बोला सर यहां पे रिमाइंडर क्या आया टू तो अब क्या हो गया टू टू द पावर 100 यानी 10, 10. टू तो दे रहा है दिया है ना तो फिर two to the power 10 होगा और लास्ट में क्या आ गया आंसर कोर्स इसको करोगे तो क्या आएगा टू आंसर आएगा तो कहने का मतलब इस मेथड से भी कर सकते हो या उस मेथड से भी कर सकते हो समझने की बात यह है कि अगर रिमाइंडर कुछ भी दिया है तो सबसे पहले यही दिमाग दोहराओ कि ये दो दो के किस पावर के आजू बाजू है और उसके बाद जो है ये सारे मेथड में भी जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा मेथड है वन जीरो टू फोर की जगह हो सकता है फाइव वन टू थोड़ा पास में दे रहा हो या टू फिफ्टी सिक्स दे रहा हो थोड़ा पास में या थर्टी टू या सिक्सटी फोर किसी भी फॉर्म में आप तोड़ सकते हो तो क्या इस क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट हो yes. आगे बढ़े जो भी लिखना है लिख लो ये सेकेंड मेथड है ये फर्स्ट मेथड है लाइकवाइज और ये नोट करके मैंने अलग से सर्ट का प्रिंसिपल लिखाया जो सबको पता है भी इज इट done? अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जरा याद दिलाना मुझे हाँ फिर से बोलना थ्री सिक्सटी सेवन अपॉन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है बना लेना खुद से क्या हुआ रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे वन होगा इन टू क्या होगा यहाँ वन होगा इन टू यहाँ पे क्या होगा ये भी बनाएगा एट यानी बनाया समझ में आया ना मैंने कैसे किया नाइन फोर नाइन टू टू नाइन फोर सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स करना है मैं क्या करूंगा सिक्स वन जा सिक्स यहाँ थ्री फोर फिर थर्टी है तो फोर नाइन फिर यहां पे फोर्टी है तो वन टू फिर यहां पे पूरा का पूरा डिविजुअल फिर उसके बाद यहां देखेंगे फिर थ्री आएगा थ्री फोर आएगा यानी कि थर्टी फिर फोर सिक्स यानी कि हमारा क्या आ गया ये आ गया फोर आ गया क्योंकि सिक्स सेवन या फोर्टी टू होता है समझ में आया ना इस तरीके से दिमाग में किया जाता है ये सबको पता भी होगा फिर भी मैंने बताया तो ये। क्या ये पूरा बन गया ना समझ में आ गया ना और कोई क्वेश्चन था नहीं था चलो अब सी सेट का एक सवाल लिखा रहा हूं वो लिखिए और उसको स्वतः बनाइए ठीक क्या वो आएगा वो अभी आएगा What is the remainder? CSAT two thousand twenty Lico. What is the remainder when fifty one into twenty seven? Fifty one into twenty seven into thirty five into thirty five. इंटू सिक्सटी टू इंटू सेवेंटी फाइव अरे लिख ही देते हैं इंटू थर्टी फाइव इंटू सिक्स टू इंटू सेवेंटी फाइव वेन गेट्स डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड वॉट इज द रिमाइंडर ऑप्शन लिख लो ए फिफ्टी बी Twenty five C five T one.

ओके हो गया एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन अब अब सबसे एकदम सही वाला दिमाग लगाओगे ना एकदम आसान वाला दिमाग जो बोलते हैं ना एकदम स्ट्रेट वाला लीमैन वाला लीमैन वाला दिमाग इसमें लगाओगे तो आंसर फटाफट आ जाएगा क्या आएगा आप खुद से देखो ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट लास्ट में जीरो देगा डिजिट सोचो जरा जीरो देगा देगा ना इन सारे ऑप्शंस में जीरो कहीं है फिफ्टी में तो वही आंसर ही होगा हर हालत में लेकिन एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने का और क्या मेथड है जब हमको ये नहीं लग पा रहा है तो समझ में आया ना आया ना तो कहने का मतलब मैंने अभी क्या किया वो फिर से बता रहा हूं ऊपर जो सारा का सारा नंबर है अगर मैं तुमको जैसे बोलूं 55 55 इसको जब आप 5 से रिमाइंडर करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर आप बोलोगे कि भाई आराम से जीरो आएगा रिमाइंडर क्योंकि सबका सब डिविजिबल सब है अब अगर हम बोलेंगे तुमको कि भाई यहां पे 51 27 है और इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा या सपोज यान से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आप तो ये बोलोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सात आएगा ही आएगा समझ में आए ना सेवन सेवन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट आएगा ही आएगा कहने का मतलब दिस इज फिफ्टी वन दिस इज ट्वेंटी सेवन तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा सात आएगा यानी दस से डिवाइड करने पर इस नंबर को रिमाइंडर क्या आएगा सात आएगा ही आएगा समझ में आया उसी तरीके से इस तीनों को मान लो मल्टीप्लाई किए और बोल रहे हैं कि टेन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा तो देखो सेवन इंटू वन सेवन सेवन फाइव या थर्टी फाइव हमेशा रिमाइंडर तो जो भी हो रहा है वो ही रिमाइंडर में आएगा जब आप दस से डिवाइड करोगे क्योंकि वन जीरो वन जीरो रिमाइंडर देगा 107, 10 से करो, 7 देगा रिमाइंडर ये तो होता ही होता है सबको पता है इसी तरह चारों को ऐड कर दो चारों को मल्टीप्लाई कर दो क्या होता है 1 into 7, 7 into 5, 35 2, क्या होता है 70. 70 को जब भी आप इससे करोगे, 10 से करोगे, तो, तो उसी तरीके से यहां पे अगर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है जीरो फिफ्टी यानी कि ये कोई भी नंबर हो बड़ा सा कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी डी ई और लास्ट में क्या आएगा जीरो आना ही आना है एम आई करेक्ट डॉट 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 लगा लो यूनिट डिजिट जीरो आना ही आना है और इसको जब भी आप हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा ही आएगा लास्ट का टू डिजिट एम आई करेक्ट नॉट तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा ही आएगा यानी कि रिमाइंडर जो है वो यूनिट डिजिट में जीरो देगा ही देगा तो अगर क्वेश्चन ट्रिकी है तो हम आराम से आंसर का पता लगा लिए ना 50 होगा हमारा आंसर क्योंकि इसी के यूनिट डिजिट में क्या है जीरो है लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या मेथड है क्योंकि यहाँ पे तो लग रहा है फेल कर जाएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम ऐसा नहीं है करते हैं ठीक है पूरा टाइम दो फिलहाल ये पोपुलू वाला सवाल इसका जरा आंसर बताओ इसका आंसर बन गया ना सबका अरे सी सेट का सवाल है यार तुमको बोला है ना दस के आजू बाजू सोचो दस के आजू बाजू क्या है नाइन है तो इसको क्या लिख सकते हो थ्री टू दावर टू फोर टू दावर है ना टू नाइन एटीन होता है एम आई करेक्ट इन टू थ्री टू दावर वन डिवाइडेड बाय टेन जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये देखें दो हजार उन्नीस को अगर हम डिवाइड कर दिए टू से तो क्या आएगा एक हजार नौ आएगा और रिमाइंडर में क्या आएगा वन आएगा समझ में आए ना इसीलिए मैंने ये लिखा नाउ प्लीज टेल मी कि ये क्या है जरा बताओ नाइन टू दावर वन थाउजेंड नाइन इंटू तीन है कि नहीं इसको जब आप दस से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा माइनस वन आएगा ना तो प्लीज मी कितनी बार आ रहा है माइनस वन हो टू दावर माइनस वन होल टू दी पावर कितनी बार आया वन जीरो जीरो नाइन और यहां से क्या आ गया तीन आ गया एम आई करेक्ट थ्री इट सेल्फ आ गया तो कितना आंसर हो गया माइनस वन होल टू दावर वन जीरो जीरो नाइन इन टू क्या आ गया थ्री थ्री आ गया ना वेरी सिंपल तीन को डिवाइड करोगे दस से तो तीन आएगा या माइनस सेवन भी ले सकते हो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कोई बात नहीं अभी बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या रहा आ रहा है मैम माइनस थ्री आ रहा है और माइनस थ्री में क्या कहा है निगेटिव रिमाइंडर जब भी आए तो करना क्या है एड टू द डिवाइजर तो इसमें एड कर दो तो आंसर क्या गया माइनस थ्री प्लस टेन इज इक्वल टू सेवन ये है हमारा आंसर यानी यहां पे क्या गया था माइनस वन माइनस वन होल टू दावर वन जीरो जीरो नाइन और इधर क्या गया था माइनस सेवन एम आई करेक्ट तो यहां माइनस वन हुआ यहां माइनस सेवन हो गया तो आंसर क्या आ गया माइनस वन माइनस सेवन बराबर सेवन या तो ऐसे नहीं तो ऐसे आंसर ला सकते हो बन गया एक सी सेट का सवाल लेकिन इस सवाल को अब हम लोग समझने जा रहे हैं अगले पड़ाव में चले करें हाँ ये अगर दस रहता तो इसका जवाब क्या होता जीरो लेकिन सौ है तो हमको देखना पड़ेगा ना क्योंकि तो क्योंकि तो अगर जीरो वाला हम नंबर दे रहे हैं एक शून्य सात शून्य एक हजार सत्तर एक हजार सत्तर को दस से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ जीरो आएगा क्योंकि पूरा कट जाता है लेकिन एक हजार सत्तर को अगर सौ से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है बताओ सेवेंटी आएगा दिवाई। है ना सेवेंटी आएगा यानी एक दो तीन चार पांच छह ये बड़ा नंबर है इसको जब दस से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सिक्स जब सौ से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा फाइव सिक्स

एकदम देख लीजिए ये एक्सेप्शन है केवल एक बार पूछा है बाद में पूछ सकता है इसको हम लोग हर तरह से बना सकते हैं एक बार बता देना वो क्वेश्चन क्या था जो ऊपर लिखा है सबने लिखा है ना बोलना जरा फिफ्टी वन एक सेकेंड हाँ फिफ्टी वन ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव इंटू सिक्स टू सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड है ना फाइव से काट रहे हैं फाइव सॉरी फाइव से कितनी बार में काटेंगे तो so, ट्वेंटी जा लिखना होगा ना तो so, फाइव हम सेवन जा लिखेंगे बट जिससे काटे हैं वो हम यहां पर लिख लेंगे फाइव हमेशा याद रखना हम बना रहे हैं तो आप नहीं लिखोगे ये हम कट कर रहे हैं जब ऐसे कट करेंगे ना तो हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं वो हम इनटू लिखते जाएंगे समझ में आया अब क्या यहाँ यहां जरा देखो तो ट्वेंटी है फिर फाइव से डिवाइड कर रहे हैं फाइव फोर जा तो यहां फाइव लिखेंगे क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं पांच चौका बीस और यहां पे फाइव फिफ्टीन जा ये आ गया इसका फोन लग रहा है ऑल राइट right, अब बताओ अब क्या है टू से डिवाइड होने वाला केवल ये है तो हम किससे ये करेंगे 2 से करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे ना क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं अब 2 से डिवाइड हमने इसको किया तो कितना आएगा 31 आएगा यानी अब हमारा फाइनल आ गया है क्या उस फॉर्म में कौन सा फॉर्म में जो हमने पढ़ा है और वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं किस कलर से ब्लू कलर से 51 into 27 into 7 into 31 into 15 सबको समझ में आ रहा है वेन डिवाइडेड बाई टू अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं है बोलते जाओ यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे वन आएगा यहां पे वन आएगा जो रिमाइंडर आया उसको फाइनल यहां पे, 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 पे घुसाओ ये है हमारा आंसर क्या इतना कर सकते हो इतना इतना सिंपल है जब कट करने वाला ऊपर नीचे हो तो आप ऐसे कर दो ये हमारा पचास आंसर हुआ कोई और एग्जाम्पल आराम से आजमा लेना बड़ा आसान है समझ में आया तो ऐसे करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन अपने कॉपी में लिख लो ऑनलाइन स्टूडेंट हैव यू गॉट इट सो आई एम दिस वेरी पार्ट अब इसके बाद बहुत छोटा सा पार्ट है वो करेंगे उसके बाद आप ब्रेक पे जाओगे अच्छा ठीक है पहले इसको जल्दी से लिख लो समझ के लिख लेना नोट करके लिख लेना जब भी आप कट करते या एक और एग्जाम्पल ऐसा दे ही देता हूं ठीक है देख लो यहां एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं फिफ्टी वन इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी फाइव इंटू सिक्सटी टू न डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड वॉट इज द रिमाइंडर इन टू सेवन इस क्वेश्चन को भी जरा कर लो Uh, इसको क्या करो एक सेकेंड वन एटी लिख लो एक एग्जाम्पल मैंने सेकेंड दिया है ये ठीक है इसको आप जरा लिख लीजिएगा दिस इज गिवेन बाई मी एज अ फर्दर एग्जाम्पल जो कि कट करने वाला ना फटा फटाफट आप जो है एक और एग्जाम्पल कर सको और बड़ा आसान है मजेदार है समझे ना पूरा बंद हो जाएगा पूरा डिविजल हो क्या तो पूरा डिविजिबल है लग तो नहीं रहा है पूरा तो डिविजिबल नहीं है आंसर है देखते हैं तो चलो करें 90 आंसर सर ऑल राइट वन पर्सन फ्रॉम द ऑनलाइन सेक्शन आल्सो गॉट ऑल्सो एज द आंसर सो लगता है यही सही है ये yes, कौन मुझे मदद करेगा आप करेंगे आप करेंगे क्या नाम है नाम क्या है तुम्हारा हम आप ही से बात, बात कर रहे हैं मैंने आपसे पूछा यस मैम पायल पायल जी बताएंगे इसको कट करना कैसे शुरू करें कट करना नीचे भी ऊपर भी जैसे कर रहे थे ना वैसे अब यहाँ पायल देखो किससे कट करें बताओ सबसे पहले टू से करते हैं टू से करेंगे यहाँ पे क्या आएगा नाइनटी बोलो ना मुझसे बोलो वन एटी को डिवाइड करें रहे टू से तो क्या आया नाइन्टी किससे डिवाइड किया था टू से तो टू हम यहाँ पे लिख लिए है ना चलो अब टू से यहाँ पे किए हैं तो टू से इधर भी करना पड़ेगा तो ये आ गया थर्टी वन अब जरा नाइन्टी को देख कर बताओ कि इसमें और किससे डिवाइड कर सकते हैं थ्री से तो थ्री से डिवाइड किए तो थर्टीजा आया सबसे पहले तो थ्री से डिवाइड करते हो इंटू थ्री लिखना पड़ेगा एम आई करें थ्री जा हुआ तो थ्री से इधर किसको डिवाइड करे ट्वेंटी सेवन तुमने जो कहा मैं कर दिया चलो अब बताओ और किससे करें फिर थ्री से करें फिर यहां थ्री टेन जा हुआ और यहां पर क्या हुआ थ्री, थ्री जा हुआ तो फिर थ्री से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे यहां पे। ना अब फाइनली बोलो किससे करेंगे फाइव से करेंगे हाँ फाइव टू जावन तो जा आएगा तो इंटू फाइव करेंगे अभी तक यहां तक कर चुके हैं हम डिवाइजर वाला काम और ये नाइन आया है ये थ्री किस अच्छा ये थ्री आया है और ये सेवन आया है तो कुल मिला के अभी हमारा जो केस बन रहा है वो ऐसा है देखना जरा हाँ मुझे बोलना जरा क्या क्या केस है सेवन इंटू फिफ्टी वन इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू थर्टी वन वेन डिवाइडेड बाई टू अब तो सबको पता है रिमाइंडर क्या आएगा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन तो इंटू वन कर दिए ये हमारा आंसर हो गया थ्री टू जा सिक्स इंटू वन आंसर ऑफ एम आई करेक्ट कहा तो कर तो दिए कर तो दिए लास्ट में तब तो वन आया ना तब वन लिख दिया मैंने तो पहले क्या था सौ था तो वो पचास आया और यहां पे क्या है 180 है यहां 90 आया फीचर सेम है बस समझ में आपको आ रहा होगा आराम से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को ठीक है जल्दी से लिख लो और जरा बताओ क्या इतना सिंपल सवाल अठारह पंद्रह को आप फोर्टी फाइव सॉरी क्या है फाइव और क्या है फोर्टी फाइव छोड़ो ना क्या कर रहे हैं देखो तो जरा नाइनटीन इंटू फिफ्टीन इसको अगर सिक्स से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमको बताना है ये भी प्रिंसिपल सेम है थ्री से डिवाइड किया टू जा थ्री से डिवाइड किया फाइव जा तो थ्री यहां पे आ गया अब आपका क्या बचा है 19 डिवाइड इनटू 5 तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 1 आएगा तो 3 1 आया एम आई करेक्टेड नॉट प्रिंसिपल सेम है प्रिंसिपल सेम है अब एक और एग्जांपल देता हूं 16 into 14 into 12 into ये क्या है 10 डिवाइडेड बाई. देखना जरा ध्यान से 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 32 64 64 मान लो मैंने किया अब हमको डिवाइड करना है तो आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो बहुत सिंपल है सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर होता है और फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है पूरा कट गया हम बोले नहीं हम जाएंगे पिछले प्रिंसिपल से समझ में आया आप देखो हम यहाँ पे फोर से मान लो डिवाइड किए फोर सिक्सटीन जा तो फोर यहाँ पे मैंने लिख दिया एम आई करेक्ट मैं बस बता रहा हूं वो जो कट करने का प्रिंसिपल है वो कहां से आया रिमाइंडर थ्योरम से आया इसी इसी चीज से अब इसको फिर से सॉरी सॉरी एक तो थी, किया थी। तो एक फोर थ्री जा हुआ है टू जा कर रहे हैं टू जा, जा तो किए तू तो, तू तो यहां पे लिखो तो टू से इधर भी फाइव करो एम आई करेक्ट अब जो है टू से फिर कर रहे हैं टू वन जा और यहां पे टू सेवन जा तो इनटू टू टू करोगे अब इन सारे को वन से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या आता है जीरो इंटू वन से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो जीरो आया इसलिए जाके हुआ जीरो समझ में आया कि नहीं आया ये मैं बताना चाह रहा हूं हमने उसी प्रोसेस से किया लास्ट में वन से डिवाइड करने पे जीरो आया इसलिए सारा कटने के बाद हमारा जीरो आता है हम उस प्रिंसिपल पे गए तो ये हमारा आ गया हाँ मैडम पता है बट उस प्रिंसिपल पे मैंने बता दिया ये प्रिंसिपल एकदम करेक्ट है ठीक है लिख लिए सब लोग जो भी लिखना है समझ में आ गया ना एम आस्किंग दीक्षा इशिका मनी परनीत कौर सब कुछ समझ में आ गया चलो फाइंड हंड्रेड टर्म इन कोई ये नहीं बोले कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना 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 ये क्वांट का ही क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बताओ हंड्रेड टर्म इसमें क्या होंगे लो मैंने लास्ट टर्म जेड 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 लिख दिया लिख दिया इतना अच्छा सवाल करेगी कोमल तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा लो एबीसीडी से लेके जेड होता है हमको आज पता चल गया चलो अच्छे से लिखो अच्छे से सोचो समझो और बताओ हिंट के लिए मैं कुछ दे रहा हूं ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद करेगा अब बोलोगे सर ये कैसे लाया बस हमको याद है एक से लेके दस तक का सम क्या होता है फिफ्टी फाइव तो ऑफकोर्स दस दस सब में जोड़ दिया तो वन फिफ्टी फाइव होगा ना फिर और दस 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 दस, -दस सब में जोड़ दिया तो कितना होगा टू फिफ्टी फाइव थ्री फिफ्टी फाइव ऐसे करके होगा तो इसमें अगर हमें निकालना है कि वन से लेकर नाइनटीन तक का सम क्या होगा तो आप आराम से कर सकते हो पचपन प्लस एक सौ पचपन में सिर्फ माइनस करना है ट्वेंटी एम आई करेक्ट और नॉट सो वन नाइनटी इज द आंसर यानी yani 55 plus 155 करो 210 आया। 210 में ये 20 अगर माइनस कर दो तो एक से लेके 19 तक का सम आ गया ना सिंपल सा बात ये कहा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जिनके जिनके पास आ जाए हाथ खड़ा करेंगे प्लीज got the आंसर प्लीज रेज योर हैंड आई एम स्टिल टू सी एनी हैंड being raised इन the classroom. क्या आया जी तुम्हारा भी जे आया तो तुमको उससे डा है तुमको उससे जलन है उसका मन तो क्या कहेगा तुम्हारा मन जे कहो क्या दिक्कत है इसमें <laughs> क्या हुआ कुछ समझ में आ रहा है ये ए... अच्छा चलो क्या नाम है आपका मुस्कान के लिए सबसे बड़ा मैं हिंट दे रहा हूं ए इज रिपीटेड वन टाइम बी इज रिपीटेड टू टाइम सी इज रिपीटेड थ्री टाइम डी इज रिपीटेड फोर टाइम ए इज द फर्स्ट लेटर बी इज द सेकेंड लेटर सो रिपीटेड टू टाइम सी इज द थर्ड लेटर सो रिपीटेड थ्री टाइम डी इज फोर्थ लेटर सो रिपीटेड फोर टाइम इतना बड़ा हिंट दे दिया मुस्कान मैंने एक का आंसर एन आया है एक का आंसर जे आया है चलो तो करें इस सवाल को इस सवाल को करते हैं जरा देखो ध्यान से मैं इसको लिख रहा हूं ए बीबीसी e, e. ऐसे करते करते सपोज जे, के एल ऐसे ही होगा देखते हैं।

बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ऐसे ही करते करते क्या होगा? J will be, final जो J है K. यहां तक ये repeated कितना होगा Ten time होगा। और सब जो है एड करने के बाद क्या आता है फिफ्टी फाइव सो क्या कहेंगे term कौन सा है ये वाला जे लास्ट वाला जे सोचो जरा एक प्लस दो प्लस तीन क्यों कर रहे हैं <laughs> क्योंकि पहला वाला ए फर्स्ट टर्म है लास्ट वाला बी क्या है एक प्लस दो यानी थर्ड टर्म है तीसरा टर्म है, लास्ट वाला जो है वो कौन सा टर्म है एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, प्लस चार यानी कि एक दो तीन तीन छह चार दस दसवा टर्म है जरा देखो मैम समझ में आ रहा है बहुत सिंपल है तो कहने का मतलब अगर हमें ये लास्ट वाला सी देखना है कि ये किस पोजीशन पे है तो हम क्या करेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री सिंपल कर देंगे उसी तरीके से लास्ट वाला जे किस पोजीशन पे है तो वन प्लस टू प्लस थ्री टेन कर देंगे पचपन तो में ग्यारह जोड़ा तो हमको क्या आ गया लास्ट वाला के आ गया एम आई करेक्ट अब ये सिक्सटी सिक्स में हमने बारह जोड़ा तो लास्ट वाला क्या आ गया एल आ गया लास्ट वाला एन उसके बाद एम आ जाएगा अब ये कितना था 88, 88 में अगर हमने 13 जोड़ दिया सॉरी 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 बोलना चाहिए ना कि सर आपको जोड़ नहीं आती M. 78 में हमने ये जोड़ दिया तो ये क्या आ गया एम आ गया अब 91 में अगर हमने 14 जोड़ दिया तो वो क्या आएगा एन आएगा यानी लास्ट वाला जो एन है वो क्या होगा जरा बताओ शांत रहो 91 प्लस 14 क्या होता है 105 यानी लास्ट वाला एन वन फिफ्थ टर्म होगा और शुरू वाला जो ओ है वो होगा वन टर्म इसमें किसी को कोई शंका है तो चूंकि यहां पर एन 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 एन, एन, एन रिपीटेड कितनी बार है जरा बताओ कितना बार है 14 टाइम्स है इसलिए ठीक है इसलिए जो है हमारा आंसर क्या हो गया है एन एन इज द करेक्ट आंसर तो अगर ये पूछा जाए इज वेड फर्स्ट टर्म तुम बोलोगे एन वॉट इज हंड्रेड फिफ्थ टर्म तुम बोलोगे एन वाट इज हंड्रेड फोर्थ टर्म तुम बोलोगे एन लेकिन जैसे ही वन जीरो सेवेंथ टर्म पूछा जाए एक सौ सातवा टर्म कौन सा है तो एक सौ पांच के बाद तो ओ चलने लगता है वो कितनी बार चलेगा पंद्रह बार चलेगा यानी 105 में तुम 15 जोड़ दो तो कितना आया 120 यानी वन ट्वेंटी टर्म विल बी ओ एंड वन ट्वेंटी फर्स्ट टर्म विल बी वाट ओ के बाद पी एम एन ओ पी लाइक वाइज समझ में आया तो फटाफट बताइए इसमें टू हंड्रेड टर्म कौन सा होगा और उसके बाद ब्रेक पे जाइए साफ लिखा हुआ है बोर्ड पे फिर भी तुम लोग देख नहीं पा रहे हो ये पचपन प्लस ये एक सौ पचपन मिलकर क्या होता है दो सौ दस यानी ट्विंटी टर्म कौन सा होता है ट्विंटी टर्म कौन सा होता है जरा बताओ टी होता है यानी लास्ट वाला टी जो है वो टू हंड्रेड टेंथ टर्म है टी के बाद होता है यू शुरू का यू जो है वो क्या हो जाएगा दो सौ ग्यारवा पोजिशन पे तो अगर टू हंड्रेड टेंथ टर्म टी है तो ऑफकोर्स टू हंड्रेड टर्म भी क्या होगा टी ही होगा फिलहाल इसको थोड़ा सोचना ऐसे ही बोर्ड पे छोड़ के जा रहे हैं जाओ नाश्ता वास्ता करने ब्रेक टाइम इज ब्रेक टाइम का ड्यूरेशन कितना मिनट रखे दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट बीस चलेगा तो इलेवन क्या हाफ एन आवर लोगे जाओ तुम लोग आधा घंटा लो जाओ जाओ जा। जा। इनको समझ में ये नहीं आया डिस्कस कर रहे हैं तो आप हम थोड़ा सा दो मिनट समझा देंगे मत करता स्लाइड पे ऐसे ही रहे

Thank <laughs> you. बात <laughs>